Assalamualaikum इस्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे हाजिर हूँ एम एफ इंग्लिश सेंटर से तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज टू पॉइंट फ़ाइव करेंगे तो एक्सरसाइज टू पॉइंट फ़ाइव बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जितनी भी चीज़ें पीछे पड़ी हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगी और पेपर में इससे आने के चांसज़ बहुत ज़्यादा हैं यानी पेपर में इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हैं और इसी के साथ साथ टू पॉइंट सिक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पेपर आएगा तो इन दोनों एक्सरसाइज से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आपका आ सकता है तो चैप्टर जो है वो हमारा लोगेरीथम है और एक्सरसाइज जो है वो टू पॉइंट फाइव तो वीडियो जो है वो थोड़ी लेंदी होगी क्यों क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं मैं तमाम के तमाम आपको करवाऊँगा और हर क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से अलग होगा तो आपकी आसानी के लिए आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसीलिए मैं तमाम क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आपको कराऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों में एक बार तो ज़रूर शेयर कर दिया करें और उन्हें भी सब्सक्राइब का कहा करें ताकि जो इतनी मेहनत में करता हूं और इतना जो है वो टाइम देता हूं तो ये जो टाइम है मेरा इसकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो सके इसकी थोड़ी सी जो है वो तारीफ़ हो सके तो उम्मीद करता हूँ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तो सबसे पहला सवाल है वो पढ़ता हूँ उसके बाद क्वेश्चन उतारता हूँ फिर करते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगेथम इन टर्म ऑफ लॉक एक्स लॉक वाई एंड लॉक जेड इस सवाल में आपने क्या करना है इस सवाल में जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई जेड तो आपने जो है वो x के साथ अलग लॉक अप्लाई करना है y के साथ अलग लॉक अप्लाई करना है और जेड को अलग लॉक देना है तो अब इन तो, तीनों नंबरों इन तीनों वैल्यूज़ को वेरिएबल को आपने लॉक अलग, अलग अलग देना है तो इसको ऐसे नहीं है कि बस x के साथ लॉक को अलग लिख दिया y के साथ अलग लिख दिया z के साथ तो काम हो गया नहीं बल्कि पूरा एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें वो फार्मूले लिखवा देता हूँ जनरल टर्म्स जो कि इस्तेमाल होंगी तमाम क्वेश्चन में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी तो आपके पास जो सवाल है जो आपका क्वेश्चन नंबर वन है वो है हमारे पास एक्स का क्यूब तो सबसे पहले है लॉक लॉक ए तो सबकी पावर यानी सबकी जो बेस है वो ए ही रहेगी यहाँ पे ठीक है और एक्स का क्यूब वाई और जेड तो आपने लॉक ए जो है यानी लॉक बेस ए एक्स के साथ भी लगाना है वाई के साथ और जेड के साथ लेकिन इसके चंद तरीक़ेकार होते हैं वो तरीक़ेकार याद रख लें ठीक है इन्हें जो है वो प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है अभी मैं ये सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो अप्लाई होंगी जो लॉस अप्लाई होंगे वो लिखवा रहा हूँ ताकि आप इतने काबिल हो जाए कि तमाम क्वेश्चन खुद भी कर सकें ठीक है और मैं जो आपको समझाऊँ वो समझ में आ जाए तो प्रॉपर्टीज़ लॉस ऑफ लोगेरीथम ठीक है ये आपने जो है वो याद रखना है जो मैं आपको ये यहाँ पर तीन चीज़ें जो आपको लिखवाऊंगा ठीक है तो ये आपने याद रखने होंगे तो ये हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है के सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं अगर लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों यानी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप दोनों पर लॉग कैसे अप्लाई करेंगे कि ए के साथ लॉग ले लेंगे ठीक है पावर जो है यानी जो बेस है वो ए ही रहेगी चले यहाँ बेस भी लिख देता हूँ बेस ए ही रहेगी तो ये ए जो है वो हमारे पास अलग चीज़ है ये ए जो है हमारे पास अलग है और ये ए बेस वाला है तो आप जो है वो लॉक ए के साथ लिख लेंगे फिर प्लस लगा देंगे फिर लॉक जो है आप ए लिख कर बी के साथ लिख लेंगे ठीक है बहुत सिंपल है जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी यानी दो वेरिएबल दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आप लॉक किस तरह अप्लाई करेंगे कि लॉक जो है आप ए के साथ ले लेंगे ठीक है लॉग जो है वो बी के साथ ले लेंगे और इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे ठीक है तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी देखें जब लॉग जो है वो आपस में यानी जो वेरिएबल है वो आपस में डिवाइड हो रहे हों यहाँ भी ए ही होगा ठीक है तो आप क्या करेंगे आप जो है लॉग ए के साथ ले लेंगे ठीक है माइनस लॉग बी के साथ ले लेंगे यानी अगर अगर डिवाइड हो रहे हों तो आप जो है वो ए को भी लॉग दे देंगे दे 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 और लॉग बी को भी दे देंगे दे 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 और बीच में माइनस लगा देंगे क्या करेंगे अगर दो लॉग आपस में यानी दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो आप दोनों के साथ लॉग लगा देंगे और बीच में माइनस की साइन ले लेंगे एज सिंपल अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये जो है वो एम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बच्चे जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं जब भी आपके पास ए की पावर यानी ए जो है आपके पास जब ए की पावर आपके पास बी हो या कोई भी पावर हो तो वो पावर जो है वो लॉक के आगे आ जाएगी और ए जो है वो हमारा खाली हो जाएगा ठीक है तो ये जो तीन चीज़ें हैं आपने याद रखनी है वन टू थ्री और यही चीज़ें आगे अप्लाई होंगी और इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ें अप्लाई होंगी लेकिन दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं एक वेरिएबल डिवाइड भी हो रहा है दो वेरिएबल्स और पावर भी हैं तो इसी चीज़ को फॉलो करके आगे तमाम सवाल सॉल्व होंगे तो मैंने आपको जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा दी अब सवालों को तेज़ी से सॉल्व करते हैं ठीक है तो स्टूडेंट जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई हैं उसे जो है आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए आगे बात तो ठीक है अब क्या करना है हमने अब जो है हमने लॉक अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे लॉक ए अब ये देखें ये दो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो क्या करेंगे एक्स के साथ अलग लॉक दे देंगे सही है जैसे कि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वाई के साथ अलग लॉक दे देंगे ठीक है अच्छा अब ये जो है वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस लगाकर इसके साथ भी लॉग दे देंगे ठीक है और यहाँ पर ए मौजूद है ठीक है लॉग जेड ठीक है ये कर दिया हमने क्या किया हमने x के साथ अलग लॉग दे दिया y प्लस लगा के y के साथ भी लॉग दे दिया ठीक है पहली प्रॉपर्टी ये हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी अगर डिवाइड हो रहा हो तो माइनस लगा के लॉग अलग दे देना ठीक है ये हो गई अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर पावर हो तो आगे लिख देंगे तो ये हो गया लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग जेड तो ये जो है हमारा आंसर हो गया आप इसको जो है वो मैच करके देख सकते हैं तो यहाँ से क्यूब अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम जो है वो क्यूब आगे उठा कर ले आए तो ये जो है हमारा प्रॉपर आंसर यहाँ पर आ गया ठीक है तो आप चाहें तो इसको मैच करके देख सकते हैं बहुत सिंपल था क्या किया मैंने कि इन दोनों को आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे थे लॉग को लॉग दे दिया दोनों को और पीछे में ऐड का साइन लगा दिया ये दो नंबर जो हैं इससे डिवाइड हो रहे थे तो क्या किया मैंने यहाँ पर माइनस लगा के लॉग लिख दिया ठीक है तो अब आगे करते हैं आगे देखते हैं कि कैसे होगा तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर टू है वो उतार लेते हैं और इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इस पर जो है वो पावर मौजूद है तो ये हो गया लॉग ए और होल पर जो पावर है वो है होल पर हमारे पास रेडिकल है और एक्स वाई का स्क्वायर जेड तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है log ए और ये जो पावर है ये जो हमारे पास रेडिकल है इसको खोल लेते हैं एक्स y का स्क्वायर z और वन अपॉइंट टू आपको पता है कि रूट टू किसके बराबर होता है वन अपॉइंट टू के स्क्वायर रूट या रूट टू दोनों ही कहा जाता है तो स्क्वायर रूट वन अपॉइंट टू के बराबर होता है ठीक है तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बीच में प्लस करते जाएंगे वो तो मैंने आपको जो पहले लिखवाया था वो दो नंबरों के लिए था लेकिन अगर तीन वेरिएबल हो तो भी यही होगा जो कि दो वेरिएबल के लिए हमने पीछे किया था जो पीछे मैंने आपको लॉ लिखवाया जो प्रॉपर्टीज लिखवाई वो दो दो वेरिएबल्स के लिए था लेकिन यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड तो भी सेम ही चीज़ रहेगी बस इसको भी लिख प्लस लगा देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पावर जो है वो सिम्प्लीफाई करते हैं इसे ठीक है सबसे पहले सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गई वन अपॉन टू वाई और ये जो है हमारे पास इंडेक्स है और पावर तो पावर जो है ऊपर आ जाती है इंडेक्स नीचे आ जाता है ठीक है z और वन अपॉन टू सही है ये स्टेप हो गया समझ में आ गया अब देखें अगला स्टेप क्या करते हैं log a अब सबको अलग अलग देते जाएंगे तो ये वाला हम जो है वो काट देते हैं ठीक है ये टू ऊपर वाले टू से कैंसिल हो गया यानी जो नोमिनेटर का टू था वो डिनोमिनेटर के टू से जो है वो कैंसिल हो गया ठीक है तो वाई और ये हो गया जेड ठीक है तो ये हो गया हमारा सिम्पलीफाई ठीक है अब लॉग अप्लाई कर देते हैं तो ये मैंने क्या किया लॉग ए एक्स ठीक है वन अपॉन टू प्लस लॉग अब इसको भी लॉग दे देंगे और पहले प्लस लगा देंगे वाई अब आप इसको भी लॉग दे देंगे जेड को और प्लस लगा देंगे क्यों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अच्छा ए यहाँ पे लिख देते हैं ए भी हैगा जेड वन अपॉन टू अच्छा अगर आप पावर हो तो क्या करते हैं पावर आगे लिख लेते हैं तो वन अपॉन टू लॉग ए एक्स प्लस अब वाई के ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है अब इसके ऊपर पावर रहेगी तो प्लस वन अपॉइंट टू लॉग ए जेड तो आप जो है इसको मैच कर सकते हैं इन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया होगा मिस्टेक जो है वो इस आंसर में हमारी नहीं होंगी तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट अब जो है वो अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से आपको इसको समझा दूँ और इसमें जो बेसिक बात आपको बताई जा रही है वो कन्वे कर दूँ तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास सिंपल है क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट है थ्री ठीक है थ्री तीसरा क्वेश्चन है तो लॉक है सबसे पहले इसे हमें सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले इसे सिम्प्लीफाई भी करेंगे होल पर आ गया हमारे पास क्यूब रूट तो क्यूब रूट आ गया अच्छा ये वाइनस वन इन्वर्स आ गया और ये आ गया हमारे पास y और y के अंदर भी थ्री मौजूद है अच्छा ये डिवाइड हो रहा है प्लस नहीं है ठीक है डिवाइड का साइन लगाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा तो अब ये इसे क्लोज़ कर देते हैं ठीक है तो ये हो गया वाई पर क्यूब चलो तो ऐसे क्यूब को थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ क्यूब और फिर हमारे पास आ गया एक्स तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन है लॉक ए होल रेडिकल थ्री या रूट थ्री रूट क्यूब और x का x की पावर माइनस वन स्क्वा स्क्वायर रूट एक्स क्यूब और डिवाइड हो रहा है ये हमारे पास एक्स क्यूब और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट अंदर जो है हमारे पास एक्स मौजूद है तो सबसे पहले इसे सिम्प्लीफाई करते हैं ठीक है तो सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे लॉक लिख देंगे और यहाँ पर सिम्प्लीफाई शुरू करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट सही है स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे राउंड ब्रैकेट ये होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों क्योंकि हमें पावर देनी है तो अगर पावर देनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अलग अलग कर कर ठीक है तो ये हमने क्या किया x इनवर्स और ये जो है हमारे पास हो गया x क्यूब y क्यूब और ये हो गया वन अपॉइन्ट थ्री तो स्क्वायर जो हमारे पास रूट थ्री होता है वो वन अपॉइन्ट थ्री होता है ठीक है और ये हो गया बीच में डिवाइड अच्छा अब ये y इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं थ्री और ये हो गया x और ये हो गया हमारे पास वन अपॉइंट थ्री ठीक है सॉरी ये वन अपॉइंट टू है क्योंकि ये जो है वो स्क्वायर रूट है ठीक है ये तो हमने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया चले अब आगे बढ़ते हैं तेज़ी में तो ये हो गया हमारे पास अब इसको जो है इसको हम क्या करेंगे इधर भी अप्लाई करेंगे इधर भी लेकिन पहले ये जो हमारे पास अंदर स्क्वायर रूट्स मौजूद हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं सही है तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं सबसे पहले ताकि एक एक स्टेप करते हुए जाते हैं ताकि मुश्किल ना हो तो ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास वन अपॉइंट टू और थ्री जो है बाहर भी मौजूद था तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ये चलें इसको ऐसे करके लिखते हैं पहले जो है वो थ्री लिख लेते हैं और फिर जो है वो वन अपॉइंट टू तो ये ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो थ्री है ये जो हमारे पास क्यूब है, है ये इंडेक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा ठीक है वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अच्छा ये वन अपॉइंट थ्री बाहर ऐसी मौजूद है अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं ये क्यूब आ गया और x के ऊपर जो है वो वन अपॉइन्ट टू आ गया और वन अपॉइन्ट टू होल जो है अभी भी बाहर मौजूद है अच्छा अब वन अपॉइन्ट टू सब के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो जब मैं वन अपॉइन्ट टू सब के ऊपर मल्टी अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इनवर्स और वन अपॉन थ्री सही है और फिर आ जाएगा वाई और ये थ्री ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री अपॉन टू सही है और ये वन अपॉन थ्री ठीक है ये हो गया ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छा अब ये इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं वाई क्यूब और ये वन अपॉन टू और ये एक्स आ गया एक्स के ऊपर पहले से भी मौजूद था हमारे पास वन अपॉन टू और उसके बाद आ गया वन अपॉन टू बाहर भी आ गया ठीक है तो ये हमारा हो गया सॉल्व अच्छा अब अगला स्टेप बढ़ते हैं तो जब हम जो है माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन थ्री तो हमारे पास क्या आएगा एक्स चलें इसको साफ से साफ करके लिखता हूँ अब राउंड ब्रैकेट एक्स माइनस वन अपॉन थ्री ठीक है इसको जो है इस तरह करके लिखता हूँ ताकि समझ में आए वन अपॉन थ्री ठीक है इस तरह समझ में आ रहा है ना आपको वन अपॉन थ्री अच्छा अब जब ये वाला वन अपॉन थ्री अपॉन टू ये वाले वन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा थ्री ऊपर आ जाएगा और नीचे सिक्स आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा थ्री क्योंकि वन से जब थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री यहाँ पे देखें क्या किया मैंने थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन थ्री तो ये वाला थ्री इससे मल्टीप्लाई हो गया ये वाला टू जो है थ्री से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ गया थ्री अपॉन सिक्स ठीक है हमारे पास जो है नोमिनेटर में जो है वो आ गया हमारे पास थ्री और डिनोमिनेटर में जो आ गया हमारे पास सिक्स ठीक है तो ये मैंने कर दिया चले अब अगला स्टेप करते हैं तो ये वाला थ्री वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई थ्री अपॉन टू अच्छा छोटा करके लिख रहा हूँ ना तो थ्री जो है वो सही नहीं बन पा रहा वो उसके अंदर ही चला जाता है ठीक है तो ये अब वन अपॉन टू वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन फोर ठीक है इसको भी चले इसी करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन अपन फोर देखें ये इस तरह किया कि वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाई वन अपन फोर तो ये वन मल्टीप्लाई बाई वन वन और ये फोर हो गया ठीक है तो ये हमारा एक और स्टेप हो गया चलें अब इसे और मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं जितना ये सिम्प्लीफाई हो सकता है चलें अब जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो यहाँ पर जो है राउंड ब्रैकेट आएगा ठीक है यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेगा अच्छा अब जो है यहाँ पर हमारे पास जो नोमिनेटर में चीज़ें मौजूद हैं और जो डिनोमिनेटर से कट रही हैं उसे काट देते हैं ठीक है तो माइनस माइनस वन अपॉन थ्री ये तो वन अपॉन थ्री तो नहीं कट रहा लेकिन ये जो हमारे पास वाई मौजूद है ये एक्स नहीं y है वाई है ठीक है ये जो हमारे पास वाई मौजूद है ये कट रहा है सिक्स के थ्री के टेबल में जो है हमारे पास थ्री कब आता है वन पर और थ्री के टेबल में सिक्स कितने पर आता है टू पर ठीक है तो ये हमने काट दिया थ्री के टेबल से अच्छा अब ये भी नहीं कट रहा थ्री अपॉन टू और ये जो है हमारे पास ये भी नहीं कट रहा तो ये जो है हमारे पास ये भी नहीं कट रहा के वन अपॉन फोर तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया तो चले स्टूडेंट अब आगे करते हैं आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ पर भी देना पड़ेगा यहाँ पर भी ब्रैकेट बना देंगे इधर भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ठीक है तो अब क्या करेंगे अब अब हम जो है वो लॉक को लॉक को जो है वो लॉक ए को मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों ब्रैकेट से तो ठीक है लॉक ए मल्टीप्लाई करा दिया लॉक ए अच्छा फिर हमारे पास यहाँ आ गया एक्स माइनस वन अपॉन थ्री अच्छा चलें इसको जो है मैं सही करके बनाता हूँ ताकि समझ में आए माइनस वन अपॉन थ्री वाई वन अपॉन टू अच्छा अच्छा मैंने आपको पीछे क्या बताया था जब दो लॉक आपस में जब दो वैल्यूज जब दो वेरिएबल आपस में माइ डिवाइड हो रहे हों जब आप लॉग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या कर देंगे डिवाइड को माइनस कर देंगे ठीक है पीछे जो मैंने आपको रूल लिखवाया था इसका मतलब यही है कि एक्स माइनस वन अपॉइंट थ्री वाई वन अपॉइंट टू जो है इससे डिवाइड हो रहा है ये जो है वो नोमिनेटर में मौजूद है ये डिनोमिनेटर में मौजूद है तो जब मैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी दोनों तरफ लॉग को मल्टीप्लाई कराऊंगा नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ तो लॉग की जो दूसरी प्रॉपर्टी तो उसमें क्या था कि ये जो है वो माइनस हो जाएंगे समझें ये पूरी वैल्यू ए है ये पूरी वैल्यू बी है ठीक है तो इसी तरह से क्या होगा कि जब लॉग बी के साथ भी आएगा तो माइनस भी आ जाएगा क्यों क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ठीक है तो अभीधर भी लॉग लगा देते हैं लॉग ए वाई थ्री अपॉन टू चलो इसको भी ऐसी करके लिखते हैं जैसे पीछे करके लिखा थ्री अपॉन टू मल्ट एक्स वन अपॉन फोर ठीक है तो यहाँ तक हमारा हो गया आप जो है इसे कॉपी कर लीजिएगा जितना मैंने अभी तक कराया आप इसको रिमूव करके आगे करता हूँ ताकि जगह जो है ख़त्म हो गई है तो स्टूडेंट यहाँ से आगे का स्टेप ऊपर करूँगा मैं ठीक है तो ये जो है हमने कर लिया अच्छा अब जो है वो हम क्या करेंगे अब इसी लॉक को इन दो वेरिएबल के साथ भी लेंगे तो क्या जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों के साथ लॉग लेंगे तो क्या करेंगे दोनों के दरमियान प्लस की साइन भी आ जाएगी तो लॉग ए ठीक है तो इसका सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं एक्स माइनस वन अपॉन थ्री तो अब जगह है तो वन अपॉन थ्री की फॉर्म में लिख लेते हैं माई प्लस लॉक क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉक ए वाई वन अपॉन टू ठीक है ये हो गया अच्छा आप माइनस की साइन आ गई लॉक ए इधर जो है वो ब्रैकेट लगा लेते हैं ठीक है अब वाई थ्री अपॉन टू माइनस लॉग ए और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स वन अपॉन फोर ठीक है तो ये हमारे पास वैल्यूस आ गई जैसे स्टूडेंट अब जो है वो मजीद सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो है वो प्लस आएगा ठीक है प्लस की साइन यहाँ पर लगा लीजिएगा तो अब जो ये माइनस है दोनों के साथ ले लेते हैं तो लॉक ए एक्स माइनस वन अपॉन थ्री प्लस लॉक ए वाई वन अपॉन टू और ये माइनस इसके साथ आ गया तो लॉक ए हो गया हमारे पास और वाई थ्री अपॉन जो है वो ये थ्री अपॉन टू हो गया थ्री अपॉन टू और ये माइनस आ गया इसके साथ तो माइनस प्लस माइनस हो गया लॉक ए एक्स वन अपॉन फोर ठीक है तो यहाँ तक हमारा ये आ गया अच्छा अब हम जो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी कि ये जो हमारे पास पावर होती है ये आगे आ जाती है अगर लॉक हो तो, तो माइनस थ्री लॉक ए एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉक ए वाई सभी के साथ यही कर रहा हूँ कि पावर को उठाकर आगे ला रहा हूँ जैसे कि लॉक की प्रॉपर्टी हमने तीसरी पढ़ी थी सही है लॉक ए वाई माइनस वन फोर लॉक ए एक्स ठीक है ये हमारी जो है वो यहाँ तक सॉल्व हो गया आंसर चले अब इसे जो है वो आगे सॉल्व करते हैं तो ये वाला जो माइनस वन अपॉइंट थ्री लॉक ए एक्स है ये वाले माइनस के साथ यानी माइनस वन अपॉइंट फोर लॉक ए के साथ माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो पहले जो इनके आगे नंबर मौजूद है वन अपॉइंट फोर माइनस वन अपॉइंट फोर इसका जो है वो एक तरफ ले आते हैं ठीक है इन नंबरों को एक तरफ ले आते हैं तो माइनस थ्री थ्री लॉक ए एक्स माइनस वन अपॉइन्ट फोर ताकि जो है वो एल लेने में आसानी हो जाए ठीक है ए एक्स अच्छा अब इस वाले को लिख लेते हैं प्लस वन अपॉइंट टू लॉग ए वाई माइनस तीन अपॉइन्ट दो लॉग ए वाई ठीक है ये हमारा यहाँ तक आ गया अच्छा अब इधर जो है वो एलसीएम लेना है माइनस वन अपॉइन्ट फोर और माइनस वन थ्री के दरमियान तो माइनस वन फोर और माइनस वन थ्री के दरमियान एलसीएम सी यहाँ ले दिखा देता हूँ तो ये हो गया माइनस फोर और माइनस थ्री और ये हो गया नीचे ट्वेल्व ये इधर आ गया ये इधर आ गया और ट्वेल्व फोर और थ्री से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या आया सेवन अपॉन ट्वेल्व वो भी माइनस का ठीक है तो जब हम इसको आपस में सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस सेवन अपॉन टवेल्व ठीक है minus, minus 12, ये जो है मैंने आपको यहाँ पर इसलिए करवा दिया क्योंकि ये वैसे तो सिक्स सेवन में सिखा दिया जाता है बच्चों को लेकिन आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पर भी मैंने ये करवा दिया तो ये क्या हो गया माइनस सेवन और ये ट्वेल्व और ये दोनों तो एज़ इट इज़ आ जाएंगे ठीक है अच्छा इन दोनों को हमने क्यों करवाया क्योंकि ये सेम नंबर थे ठीक है लॉग ए एक्स लॉग ए एक्स ये सेम थे जब भी इनकी वैल्यूज़ को आगे जो कॉन्स्टेंट था उनको हमने सॉल्व करवा दिया अच्छा आप इसी तरह से यहाँ भी सॉल्व कराते हैं इस वाई को तो वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू को जब हमने सॉल्व कराया तो कितना हो गया हमारे पास वन अपॉन थ्री और ये टू क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स में वैल्यू सेम हो तो जो जो हमारे पास नोमिनेटर होता है उसको माइनस करा देते हैं ठीक है तो ये टू अपॉन टू तो इसका आंसर आया वन ठीक है इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास वन ठीक है तो ये वन आएगा सॉल्व होने के बाद तो इसको मिटा देते हैं ये प्लस वन प्लस नहीं माइनस वन आएगा माइनस वन क्यों? क्योंकि है? साइन जो है वो बड़ी वाई की है माइनस थ्री अपॉन फोर की साइन बड़ी है तो ये हो गया वन लिखने की जरूरत नहीं होती वन को ये हमारे पास आंसर आ गया अच्छा अब आ जाते हैं बुक वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं तो बुक में जो है क्वेश्चन अलग आ रहा होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन अलग आ रहा होगा तो बस थोड़ा सा फ़र्क है बुक में क्या है कि यहाँ पर वन मिस है ठीक है बाकी जो क्वेश्चन आपका आंसर जो आया है बाकी आपका सेम ही आया है और यहाँ पर प्लस आएगा सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा यहाँ प्लस आएगा ठीक है हम लोग पीछे करके देख चुके हैं तो यहाँ पर जो है वो प्लस आएगा माइनस नहीं आ रहा ठीक है तो बस ये थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर जो है वो हमारे पास वो माइनस ले रहे थे यहाँ पर जो है वो ट्वेल्थ ले रहे हैं वैसे तो ट्वेल्फ आएगा लेकिन वो टू ले रहे हैं लेकिन बाकी जो हमने आंसर निकाला है वो सेम आ रहा है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कोई टेंशन नहीं आई होगी और यहाँ पर भी जो है वो माइनस ही आएगा क्योंकि हमने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया है यहाँ पर प्लस दे रहे हैं वो माइनस आएगा अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस आ कैसे रहा है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ माइनस कैसे आ रहा है चलें इसको थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर ये यह जो माइनस को ये कॉमन निकाल रहे हैं तो जब इन्होंने माइनस को कॉमन निकाला तो सेवन अपॉन ट्वेल्व लॉग एक्स प्लस लॉक ए वाई इस तरह से ये आया कॉमन ठीक है तो कॉमन निकाल लिया गया माइनस को तो इस तरह से जो है ये इसका असल आंसर हो गया ठीक है तो अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करवा दिया उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आंसर को समझने में तो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो छोटे ही रहेंगे ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है वो भी देखते हैं और वो भी उतार लेते हैं तो स्टूडेंट हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चन से तो छोटा ही होगा तो चलें इसको भी कर लेते हैं तो ये जो है हमारे पास करली ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यानी राउंड ब्रैकेट के बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि करली ब्रैकेट यूज़ करें या स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं y और z जो है वो इन्वर्स है यानी हमारे पास माइनस टू है और y माइनस फ़ोर हो गया और फिर जो है वो z जो है वो थ्री हो गया और उसके बाद होल पर जो है वो माइनस थ्री आया हुआ है ठीक है होल पर माइनस थ्री और बीच में ये डिवाइड का साइन है और जेड माइनस वन वाई माइनस वन जेड और वाई स्क्वायर जेड का जो है हमारे पास माइनस थ्री और इन पर होल पे जो आ रहा है वो आ रहा है फाइव और ये जो है हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट आ गया तो ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले से सिम्प्लीफाई करेंगे और उसके बाद जो है इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सिम्प्लीफाई करते हैं ठीक है सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर देखें बेसिस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी ठीक है ये देखें y जो है एक बार ले लेंगे हम प्लस y वन जो है याले y का आ गया एक वन जो है याले y का आ गया और ये ऊपर गया तो माइनस हो गया और माइनस फोर पहले से मौजूद है ठीक है माइनस फोर ये माइनस इसका माइनस फोर ये वाला है जो ऊपर गया और माइनस क्यों क्योंकि ऊपर जाएगा अगर बेसिस सेम हो पावरें डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती हैं यानी बेसिस सेम हो तो पावरे जो हैं वो माइनस हो जाती हैं आपस में ठीक है ये पावरें माइनस हो गई अच्छा अब z को देखते हैं z माइनस टू अब ये भी ऊपर चला गया तो माइनस थ्री हो गया और ये प्लस थ्री था तो इसलिए इसके साथ मैंने राउंड नहीं लगा ब्रैकेट नहीं लगाया ठीक है जैसे इधर लगाया ठीक है अब इधर देखते हैं ये y माइनस वन ठीक है अच्छा अब ये माइनस टू ऊपर आ गया क्यों क्योंकि बेसिस सेम है पावरें माइनस हो जाएंगी और ये आपस में क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट ये रूल्स मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे अच्छा माइनस ये वो वाला आ गया जो कि ऊपर जाकर माइनस होगा और माइनस थ्री हमारे पास पहले से भी मौजूद है ठीक है तो ये फ़ाइव हो गया ये हमारा यहाँ तक हो गया चलें अब इसे मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा बस अब पावरों को जो है वो आपस में कर देते हैं तो ये वन माइनस माइनस प्लस हो गया फोर ठीक है ये Z और ये माइनस माइनस कितना हो गया माइनस फ़ाइव और हमारे पास जो थ्री है माइनस थ्री पहले से मौजूद है ठीक है अभी होल पर मौजूद है अच्छा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया ये हमारे पास प्लस कितना हो गया थ्री हो गया अच्छा Z माइनस 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 प्लस हो गया और थ्री आ गया होल पर फ़ाइव मौजूद है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर ये मौजूद है तो यहाँ पर अब एक स्टेप और करके सॉल्व करा देते ताकि गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करा करें ताकि गलती ना हो सके ठीक है तो ये वाई हो गया और ये वाई हमारे पास कितना आ गया माइनस फाइव आ गया और होल पर अभी भी हमारे पास माइनस थ्री मौजूद है और ये डिवाइड हो रहा है ठीक है तो ये हो गया माइनस थ्री और ये जेड हो गया फ़ोर हो गया और अभी होल पर फाइव अभी भी मौजूद है तो अब देखें यहाँ पर ये क्या हो रहा है डिवाइड ठीक है ये ए हो गया ये बी हो गया जब मैं क्या करूँगा कि ये समझे इसके नीचे था ये नोमिनेटर में था नोमिनेटर में था और ये डिनोमिनेटर में था तो जब हम नोमिनेटर के साथ लॉग देंगे डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग देंगे तो बीच में माइनस ले लेते हैं रूल नंबर टू याद रखिएगा जो कि मैं आपको पहले ही लिखवा चुका था तो अब क्या करेंगे कि इसको भी लॉग दे देंगे इसको भी लॉग दे देंगे और ये डिवाइड का साइन जो है वो माइनस के साइन में तब्दील हो जाएगा ठीक है ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू हो गई तो देखें यहाँ पर क्या होगा ये लॉक ए और ये हो गया हमारे पास फाइव z माइनस फाइव और ये हो गया माइनस थ्री और ये माइनस और ये लॉक आ गया ठीक है किस तरह आया बता चुका हूँ z फोर और ये फ़ाइव आ गया ठीक है तो अब करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अब जो है वो पावरे सॉल्व करा देते हैं यानी जो पावरे हैं उसको सिंप्लीफाई करा देते हैं ठीक है तो जब हम फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस फिफ्टीन तो ये हो गया हमारे पास माइनस फिफ्टीन और जब हम जो है वो z माइनस थ्री को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस फिफ्टीन ठीक है लॉग ए यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है log ए तो माइनस थ्री यहाँ पर भी माइनस थ्री है फ़ाइव से करेंगे तो माइनस फिफ्टीन और z है तो हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया अब आगे सॉल्व करते हैं ठीक है तो स्टूडेंट अब कौन सा हमारे पास नया पहला स्टेप अप्लाई होगा यानी जो हमने पहला लॉ पढ़ा था वो अप्लाई होगा कि जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों को लॉक देंगे तो बीच में प्लस लेकर दोनों के साथ लॉक लगा देंगे ठीक है तो लॉक ए ठीक है वाई चलिए ऐसे थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ असल मेरा यहाँ हाथ आने में मुश्किल हो रहा है इसलिए थोड़ी सी गलती हो रही है तो माइनस फिफ्टीन प्लस ए ये हो गया फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन और ये माइनस और ये वाला माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जो है वो हम ब्रैकेट ले लेंगे लॉग ई चले काम करते हैं हम डायरेक्ट इस माइनस को ना दोनों के साथ करा भी देते हैं तो ये हो गया माइनस ठीक है ये वाला माइनस इसके साथ भी करा दिया तो ये हो गया हमारे पास वाई माइनस फिफ्टीन ठीक है और ये वाला माइनस इसके साथ भी करा दिया तो ये वैसे तो प्लस आता ठीक है क्योंकि आपस में ये दोनों हो रहे थे तो वैसे तो प्लस आना था लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस आ गया ठीक है वाई ट्वेंटी ठीक है हमने कर लिया मैं आपको एक बार और बता दूँ देखें इधर जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर जब मैं इसके साथ भी लॉक देता इसके साथ भी z के साथ तो पीच में प्लस आता लेकिन यहाँ माइनस मौजूद था तो जब मैंने माइनस जो है y के साथ कराया तो यही माइनस z के साथ भी कराया तो जो z के साथ प्लस आना था ना जैसे यहाँ प्लस आया था तो वो माइनस हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है यहाँ तक हो गया बिल्कुल सही आया है अब आगे करते हैं दो तीन स्टेप और हैं बस ये सवाल खत्म हो जाएगा देखिए राइटिंग जो है अक्सर मेरी ख़राब हो जाती है इसकी वजह यह होती है क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम होती है लिखने की और ऊपर से हाथ भी बहुत मुश्किल से आ रहा होता है लिखने के लिए तो इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है तो इसको जो है वो एडजस्ट कर लिया करें तो देखिए आप पावरे जो है वो आगे आ जाएंगी जैसा कि हमने रूल थ्री पढ़ा था लॉक में क्या होता है कि पावरें आगे आ जाती हैं जेड खाल वाई खाली हो जाएगा अच्छा प्लस लॉक प्लस लॉक यहाँ पर देखिए हम सेट लगाना भूल गए यहाँ जेड आएगा जेड सही है तो चलें इसे पहले मिटा के साफ करके फिफ्टीन लॉग जेड सही है माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस तो देखें अब चले पहले मैं लिख देता हूँ माइनस फिफ्टीन आगे आ गया, गया। ठीक है तो ये हो गया लॉग ए वाई ठीक है और ये माइनस है और माइनस के आगे ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी क्योंकि पावर उठ कर आगे आ गई लॉग ए जेड ठीक है यहाँ तक हो गया अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा देते हैं लॉग ए वाई प्लस लॉग फिफ्टीन लॉग जेड माइनस माइनस प्लस ठीक है बस यहाँ पर मैं साइन की वजह से दोबारा उतार रहा हूँ बाकी तो वही है जो पीछे किया था सही है ये हो गया हमारा जेड अब आप देख सकते हैं कि कोई शक नहीं है कि प्लस का फिफ्टीन लॉग ए वाई माइनस के फिफ्टीन लॉग ए वाई से कैंसिल हो गया ठीक है कैंसिल हो गया तो कर दिया वरना नहीं करते अच्छा माइनस अभी इसको भी लिख लेता हूँ बल्कि फिफ्टीन लॉग ए ए यहाँ भी आएगा ए जेड प्लस और ये माइनस है माइनस ट्वेंटी लॉग ए जेड देखें प्लस लॉग ए जेड जब माइनस ट्वेंटी लॉग ए जेड से होगा तो क्या हो जाएगा ये ट्वेंटी फ़िफ्टीन से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस फाइव और साइन बड़े की आएगी ठीक है पंद्रह में से बीस गए तो कितने बचते हैं मा पंद्रह में से अगर बीस को माइनस किया तो पाँच ही बचते हैं ना और ये लॉग ए जेड ऐसी आ गया तो ये हमारा हो गया सिंपल आंसर ठीक है तो अच्छी तरीके से बिल्कुल जो है वेट कर करके आपको सारा करा दिया तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कोई टेंशन तो नहीं हुई होगी समझने में ठीक है तो अब अपना अगला सवाल देखते हैं कि अगला कैसे होगा ठीक है तो यहाँ हमारा ये आंसर हो गया तो स्टूडेंट ये सवाल तो जो थे वो बड़े बड़े थे तो इसलिए सारे करवाने पड़े आपको अगर मैं आपको कहता कि आप ये ख़ुद कर लें तो आपसे शायद मुश्किल हो जाती करने में तो इसी मैंने आपको ये करवाए और अगर सॉल्व में भी ये सवाल मौजूद हैं तो वहाँ भी कोई अच्छी खासी एक्सप्लेशन नहीं होती जिससे बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाती है तो इसीलिए तमाम सवाल मैंने आपको करवा दिए ठीक है तो अब मैं अगला क्वेश्चन उतार रहा हूँ जो कि फ़ाइव है और वाई जो है हमारे पास माइनस टू है और जेड जो है वो माइनस थ्री है और होल पर है माइनस वन अपॉइंट सिक्स ठीक है तो आपको पता है कि रूट सिक्स जो है हमारे पास किसके बराबर होता है वन अपॉइंट सिक्स के रूट सिक्स किसके बराबर होता है फिर कॉल करता हूँ वन अपॉइंट सिक्स के और ये तमाम बेसिक चीज़ें जो हैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बाद यहाँ पर आया हूँ ठीक है तो इसीलिए साथ लेके चलता हूँ यानी चैप्टर वाइज़ कराता हूँ क्योंकि जो बुक में चैप्टर वाइज बनाया जाता है ना वो इसी चीज़ को देख के बनाया जाता है कि पहले बच्चा आसान चीज़ें पढ़ ले उसके बाद हार्ड चीज़ें पढ़े तो देखें अब इसे खोल देते हैं सिम्प्लीफाई करते हैं माइनस वन जेड माइनस टू तो ये जो है हमारा सवाल है अच्छा अब इसमें क्या करना है हमने ये जो है वो वन अपॉन सिक्स रूट सिक्स आपको पता है ना किसके बराबर होता है रूट सिक्स जो है वो माइनस वन अपॉन सिक्स के बराबर होता है बस इसको मैंने खोल दिया ठीक है तो ये हो गया माइनस टू जेड माइनस थ्री और ये हो गया वन अपॉन सिक्स चलें इसको साफ़ करके लिखता हूँ ठीक है तो ये हो गया वन अपॉन्ट सिक्स ठीक है यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं हुई हो होगी समझने में आसान था तो अभी से बस सिंप्लीफ़ाई करना है और कुछ नहीं करना ठीक है तो आप सब पे दे देते हैं चलो ऐसे नीचे करके लिखता हूँ ताकि जो है वो मुश्किल ना हो समझने में तो ये वन अपॉइन्ट सिक्स एक्स के साथ भी दे दें वाई के साथ भी जेड के साथ भी तो ये जब मैंने एक्स के साथ दिया तो ये वन अपॉइन्ट सिक्स हो गया ठीक है अब जब मैंने इसे y के साथ दिया तो ये हो गया माइनस और वन जब मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस वन अपॉइंट टू से तो जब मैंने माइनस वन मल्टीप्लाई किया वन अपॉइंट सिक्स से तो कितना आ गया माइनस वन अपॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं देखिए इस तरह हुआ होगा ये मल्टीप्लाई ठीक है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आया माइनस वन अपॉइंट सिक्स ठीक है आगे भी सब इसी तरह से हो रहे होंगे ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं करवा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे ठीक है तो अब ये जेड हो गया ये भी माइनस हो गया और टू अपॉइंट सिक्स हो गया ठीक है तो ये आ गया यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ होगी माइनस वन अपॉन सिक्स क्योंकि माइनस मौजूद है चलें इसको ऐसे बना के लिखता हूँ ठीक है माइनस वन अपॉन सिक्स और फिर y माइनस चलें इसे y बनाते सही से y माइनस टू अपॉन सिक्स और z माइनस थ्री अपॉन सिक्स ठीक है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जगह कम होने की वजह से मैंने जो स्लैश डाल के लिखा चलें अब यहाँ आखिरी में करते हैं क्या करना है ठीक है तो जो कट रहा है उसे काट देते हैं जो बच रहा है उसे लिख देते हैं तो वन अपॉइंट सिक्स ठीक है फाइव वन अपॉइंट सिक्स वन अपॉइंट सिक्स से जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे वरना तो वो उसमें आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में अच्छा ये जो है वो कट रहा है अब देखें आपके जेट ये जेट होगा अच्छा टू कितने पर आता है थ्री के टेबल में टू सॉरी टू कितने पर आता है टू के टेबल में तो ये आता है वन पर और सिक्स कितने पर आता है टू के टेबल में थ्री पर ठीक है तो ये मैंने कर दिया एल सी एम चले अच्छा इधर लिख देता हूँ एक्स वन माइनस वन अपॉन सिक्स वाई अच्छा यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ हुई जो ऊपर की मैंने कि टू कितने के आते कितने पे आता है टू के टेबल पर वन पे और सिक्स कितने पे आता है थ्री पे अच्छा जेड के टेबल अब यहाँ देखते हैं थ्री के टेबल में थ्री कितने पे आता है वन पे और थ्री के टेबल में सिक्स कितने पे आता है टू पे तो ये जो है हमारा यहाँ तक आ गया अब आगे सॉल्व करते हैं ऊपर ये मैं रिमूव करके सॉल्व करता हूँ तो इसके आगे का जो सवाल है वो ऊपर की तरफ कर रहा हूँ ठीक है तो अब जो है वो सिम्प्लीफाई करते हैं देखें अब ये एक्स सेम है ये वाला एक्स सेम है ये वाला वाई जेड तो बेसिस सेम है पावरे क्या हो जाएंगी माइनस क्यों क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं अगर मल्टीप्लाई uh, हो रहे होते तो ऐड हो जाती ठीक है थीके? तो एक्स लिख लिया वन अपॉइन्ट सिक्स लिख लिया और माइनस और ये जो है माइनस वन अपॉइन्ट सिक्स ये लिख लिया ठीक है माइनस वन अपॉइंट सिक्स ये, ये वाला माइनस है और ऊपर जाने की वजह से जो माइनस हुआ वो ये आ गया ठीक है तो अब वाई लिखते हैं माइनस वन अपॉइन्ट सिक्स ठीक है माइनस और फिर ये माइनस इसके साथ भी आ गया ठीक है अब जेड देखते हैं माइनस वन अपॉइन्ट थ्री माइनस माइनस वन अपॉइन्ट टू ठीक है समझ भी आए होंगे उम्मीद करता हूँ कि ऊपर ले गया तो जो माइनस वैल्यूज़ के साथ मौजूद थे उनको ब्रैकेट में भी लिख दिया और ऊपर जाने की वजह से जो माइनस आए उन्हें भी मैंने अलग अलग शो कर दिया तो चलें आप इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं सवाल जो है ये बड़े बड़े हैं ताकि करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए ठीक है तो ये सिक्स हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया वाई माइनस सिक्स आ गया माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया अच्छा अब मेरे को आपको ज़रूरत तो नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ एल बार बार लेकर दिखाऊं अब आपको मैं बहुत बार एल लेके करवा चुका हूं तो उम्मीद करता हूं अब आपको एल सी एम यहाँ समझ तो आ गए होंगे कि एल लिए किस तरह जाते हैं तो चले फिर भी आपको एक स्टेप मैं करवाता रहता हूं तो ये क्या है डिनोमिनेटर में सेम है तो नोमिनेटर जो जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है वो ऐड हो जाएंगी तो एक बार सिक्स ले लेंगे सेम होने की वजह से वन प्लस वन हो जाएगा वाई अब यहाँ सेम नहीं है तो यहाँ जो है वो हमने थ्री को ऊपर सिक्स के ले आना पड़ेगा सिक्स को थ्री के ऊपर ले आना पड़ेगा ठीक है तो माइनस थ्री और प्लस सिक्स और सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री जो है वो एटीन होता है ठीक है तो काफ़ी पीछे भी हम लोग काफ़ी बार इस चीज़ को देख चुके सिक्स माइनस थ्री जो सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री कितना होता है तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा माइनस टू ऊपर आ गया और ये थ्री हो गया चलें इसे डायरेक्ट करते हैं जैसे कि इधर किया तो ये ऊपर चला गया प्लस थ्री हो गया और थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स हो गया ठीक है तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से फिर आगे करते हैं तो चलें अब आगे एल सी एम लेते हैं इसका एल सी एम सॉल्व करते हैं तो एल सी एम अपने पक्के कर लें देखें हर जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो टू अपॉन थ्री हो गया सॉरी टू अपॉन सिक्स हो गया टू अपॉन सिक्स हो गया सही है ये y हो गया और ये माइनस थ्री और प्लस थ्री किया माइनस थ्री प्लस सिक्स तो कितना हो गया हमारे पास थ्री बचा सिर्फ़ ठीक है तो ये हो गया हमारे पास अच्छा z कितना हो गया हमारे पास माइनस टू प्लस थ्री से हुआ तो बचा वन और ये सिक्स बच गया ठीक है तो ये सिक्स बच गया अच्छा अब ये आपस में जो है वो कैंसिल हो रहे हैं तो इसे कैंसिल कर देते हैं तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इन इनको सॉल्व कर लेते हैं कि ये टू के टेबल से कट गया टू के टेबल पे टू कितने पर आता है वन पर और टू के टेबल में सिक्स कितने पे आता है थ्री पर ठीक है तो आप यहाँ पर देखते हैं कि थ्री के, के टेबल में थ्री कितने पे आता है वन पर और एटीन कितने पे आता है सिक्स पर ठीक है सिर्फ टेबल से काट रहा हूँ वन अपॉन टू ठीक है ये तो आपको उम्मीद करता हूँ आता ही होगा कि भाई के टू अपॉन थ्री को अगर सिम्प्लीफाई करूँगा मैं टू अपॉन सिक्स को चलें साफ़ करके लिखता हूँ अगर टू अपॉन सिक्स को सिम्प्लीफाई करूंगा तो कैसे करूँगा कि इसे जो है वो कार्ड दूंगा ये वन पर आता है ये थ्री पर आता है सही है तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है चलें अब मैं आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या करना है लॉक अप्लाई करना है तो लॉक इन सब के साथ लिख देते हैं तो ये हो गया हमारे पास लॉक ए एक्स वन अपॉन थ्री प्लस लॉक ए वाई वन अपॉन सिक्स प्लस लॉक z वन अपॉन सिक्स तो आपको आखिरी वाली प्रॉपर्टी याद होगी तीसरी वाली के पावर उठकर आगे आ गया जाती है लॉग में तो वन अपॉन थ्री लॉग ए प्लस वन अपॉन सिक्स लॉग ए वाई प्लस वन अपॉन सिक्स लॉक ए जेड तो इट इज़ अवर आंसर तो ये हमारा जो है वो साफ़ सुथरा आंसर आ गया कोई भी इसमें मिस्टेक उम्मीद करता हूँ नहीं की होगी हमने अगर की होती तो आंसर गलत आता एक मिस्टेक यहाँ कर दी कि एक्स नहीं लिखा ठीक है तो ये जो है हमारा क्या आ गया आंसर आ गया अच्छी तरीके से मैंने ऐसे जो है आपको करा दिया कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है मिस्टेक होती तो आंसर सही नहीं आता तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये अपनी कॉपी में उतार लेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट अब जो है हमारा आखिरी सवाल ले गया है इस क्वेश्चन का और आसान सवाल है ये अगर आप समझ लें वरना तो ये भी मुश्किल सवाल ही है एक तरह से तो सवाल क्या है आपके पास सवाल नंबर सिक्स लॉग ए और उसके बाद एक्स और होल की पावर हमारे पास स्क्वायर रूट है और फिर पावर थ्री है और फिर यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है इस क्यूब रूट क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर हमारे पास मौजूद है जेड का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर अच्छा फाइव सॉरी जेड का इस, जेड स्क्वायर और उसके बाद बात है एक्स की पावर फाइव सही है तो अब इसको किस तरह सॉल्व करना है ये भी आसान है कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है तो ये भी जो है आपका ईज़ीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इसमें भी कोई आपको टेंशन नहीं होगी करने में अच्छा तो ये जो है मैं कराने से पहले आपको बता दूं कि आपने जो है वही पीछे जो रूल्स थे वो अप्लाई करने हैं ठीक है कोई भी नए रूल्स अप्लाई नहीं होंगे तो सबसे पहले सिम्प्लीफाई की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले सिम्प्लीफाई की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास एक्स और ये हो गया हमारे पास थ्री और ये जो है वो वन अपॉइंट टू स्क्वायर हो गया ये आ गया हमारे पास यहाँ होल पर है तो टू और ये फाइव और क्या है क्यूब रूट तो वन अपॉइंट थ्री लेंगे टू नहीं लेंगे ठीक है वन अपॉइंट टू ऊपर क्योंकि क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट था चले अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा लॉक ए तो जब हमने ये एक्स हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो पावर इंडेक्स से इंडेक्स नीचे आ गया पावर ऊपर चली गई इसे थ्री को सही करके बनाते हैं ठीक है तो ये आ गया हमारे पास अच्छा Z टू अपॉन थ्री और X जो है हमारे पास वो कितना आया फ़ाइव अपॉन थ्री ये इस तरह से होता है कि फ़ाइव मल्टीप्लाई बै वन अपॉन थ्री ठीक है तो फाइव ऊपर ही आएगा ना वन अपॉन थ्री होगा तो इस तरह ये होता है ठीक है करा दिया यहाँ भी चलें ऐसे मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो मज़ीद सिम्प्लीफाई नीचे ही कर लेते हैं फिर इसे रिमूव कर देंगे तो अब क्या होगा हमारे पास सिर्फ एक ही बेस सेम है x और ये x तो ये जो माइनस ये जो हमारे पास फाइव अपॉन थ्री है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्यों क्योंकि बेसिस सेम है ये वाली बेस देखें x है और इसकी भी बेस x है तो ये वन मौजूद है यहाँ पर माइनस फाइव अपॉन्ट थ्री से ये हो जाएगा माइनस सही है फ़ाइव अपॉन थ्री से और ये y हमारे पास एज इट इज थ्री अपॉइन फाइव मौजूद है और z में हमारे पास मौजूद है टू अपॉन थ्री ठीक है तो अब ये रिमूव करते हैं फिर आगे करते हैं तो स्टूडेंट अब क्या करना है हमने अब इसको जो है वो एल ले लेना है तो लॉक ए तो इसका एल सी यहाँ ले लेते हैं माइनस फाइव अपॉन थ्री सही है तो थ्री ऊपर चला गया और नीचे भी आ गया क्योंकि यहाँ पर समझिए वन सपोज़ कर लें ठीक है वन है आपके पास तो यहाँ पर ये थ्री हो गया और ये माइनस हो गया फाइफ और ये हो गया थ्री अच्छा अब नीचे बेसिस सेम हो गई हैं तो ये हो गया थ्री और थ्री माइनस तो कितना हो गया हमारे पास माइनस टू अपॉन थ्री ठीक है तो कितना आ गया हमारे पास माइनस टू अपॉइन्ट थ्री तो ठीक है अब डायरेक्ट माइनस टू अपॉइंट थ्री लिखूंगा मैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एल लेके दिखा दिया वरना अगर यही चीज़ मैं इधर करता रहता तो फिर वो उसको साथ चलाता रहता ठीक है तो बस कितना आ गया हमारे पास एक्स जो है हमारे पास आ गया माइनस थ्री अपॉन्ट टू ठीक है और वाई वही है जो था और जेड जो है हमारे पास वही है जेड वह हमारे पास वही वैल्यू है जो दी हुई थी जैड टू अपॉइन्ट थ्री ठीक है तो अब इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से कि हमने इसे उतार लिया है ठीक है ताकि हम ईज़िली अब इधर आंसर लिख सकें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले लॉग को जो है वो अप्लाई कर देते हैं आपको याद होगा कि डिवीज़न में लॉग किस तरह अप्लाई होता है कि जो डिवाइड हो रहे होते हैं उसको माइनस कर देते हैं ठीक है ये डिवाइड हो रहा है ना तो इसको ऊपर ले आएंगे लॉक लिख देंगे और इसके साथ माइनस के साइन लगा देंगे टू पॉइंट थ्री ठीक है तो अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाले आपको रूल नंबर ए, ए याद होगा रूल नंबर वन के एक्स के साथ भी लिख लो ए के साथ भी लिख लो और प्लस लगा दो तो बी के साथ भी लिख लो ये वाई जो है बी की जगह पर दिया हुआ है ठीक है बार बार एक चीज़ करवाता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको याद तो हो जाती होगी चीज़ की एक एक चीज़ बार बार होती रहती है तो तो ये हमारे पास आ गया अब बस एक स्टेप और करना है कि पावर आगे लिख देनी है तो ये आगे पावर थ्री अपॉन टू लॉग ए एक्स और ये प्लस थ्री अपॉन टू लॉग ए वाई और ये माइनस टू अपॉन थ्री लॉग ए जेड। ये हो गया आंसर ठीक है कुछ स्टेप में इसका आंसर जो है हमारा निकल आया तो लगा शुक्र है आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आया है कहीं कोई गड़बड़ जो है वो आंसर में नहीं है तो ये आंसर भी लिख देता हूँ ठीक है चले अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट आगे क्या कहा जा रहा है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें कहा जा रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू अ सिंगल टर्म यानी पहले जो है आपको सिंगल टर्म में दिया हुआ था यानी क्वेश्चन नंबर वन में क्या था सिंगल टर्म में आपको दिया हुआ था आप उसको एक्सपेंड कर रहे थे यानी खोल रहे थे हर किसी के साथ लॉक लगा रहे थे अब वही काम आपने यहाँ भी करना है लेकिन उल्टा अब किस तरह से उल्टा करेंगे करके दिखाता हूँ सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन जो है वो आया आपके पास लॉक ए ट्वेंटी और उसके बाद माइनस लॉक ए और फिफ्टी यानी पंद्रह फिफ्टीन और वन अपॉन टू लॉग नाइन अपॉन टू ठीक है तो ये आपको जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है सिंप्लीफाई जैसा कि मैं हर बार आपको क्या कराता हूँ सबसे पहले सिम्प्लीफाई कराता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है सिम्प्लीफाई करना है और उसके बाद इस आंसर को आगे जो है वो हमने सॉल्व करना होगा तो चले आए इसको सिम्प्लीफाई कराते हैं सबसे पहले तो देखें स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था रूल नंबर टू में कि जब दो लॉक यानी दो लोग आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उसे जो है वो हम माइनस में करके लिख देते हैं मतलब अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है कि हमारे पो इस तरह दिया हुआ ए अपॉन पी तो ये हमने क्या कहा था लॉक ए के साथ भी ले लें ठीक है और माइनस लॉक लगा कर बी के साथ भी ले लें तो यहाँ पर आपको क्या है कि इस कंडीशन में दिया हुआ है ठीक है इस कंडीशन में दिया हुआ है देखें इस इस वैल्यू को देखें अगर आप पहली वैल्यू को ही देखें यानी ये ए देखें ए और बी ये जो है आपस में क्या हो रहा है माइनस तो क्या मतलब अगर ये माइनस हो रहे हैं तो हम इसको इस वैल्यू में बंद कर सकते हैं यानी हम क्या कर सकते हैं कि लॉग को एक बार ले सकते हैं और पंद्रह बीस को पंद्रह से डिवाइड करा सकते हैं यानी रूल नंबर टू के मुताबिक तो यहाँ उल्टा काम करना है पहले हम क्या कर रहे थे पहले हम जो है वो इस वैल्यू को इस वैल्यू को इसमें ले जा रहे थे अब इस वैल्यू को इसमें ले जाना है ठीक है तो ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा तो आपको याद है ना कि लॉग जब आपस में माइनस हो रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 20 लॉग को एक टाइम लिख लिया और 15 को डिवाइड कर दिया अच्छा इसको ऐसे ही लिख रहने देंगे इसको छेड़खानी नहीं करेंगे ठीक है तो पंद्रह में से बीस में से पंद्रह को अगर हमने डिवाइड किया तो कितना बचता है हमारे पास यहाँ बच गया हमारे पास फोर और यहाँ बच गया थ्री तो ये जो है फ़ाइव के टेबल से हुआ फाइव के टेबल में ट्वेंटी कितने पे आता है फोर पे फिफ्टीन थ्री पे तो यहीं तक इसका आंसर है यहीं पर इसको रोकेंगे ठीक है आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बुक में भी हमें यहीं तक सॉल्व करने का कहा था ठीक है बुक के आंसर को मेनटेन रखेंगे ठीक है तो ये हमारा क्या हुआ सॉल्व हो गया आप चाहें तो इसको मैच करके पीछे से देख सकते हैं ताकि आपको ये क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ भाई आपने आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकाला है एक गलती है कि यहाँ ए नहीं लगाया हुआ ठीक है ए यहाँ भी नहीं लगा हुआ ठीक है बाकी सब कुछ सही है ठीक है तो ये सही है अच्छा यहाँ पर आपको देखें बुक में यहाँ टू लिख के दिया हुआ है बुक में यहाँ पर आपको टू लिख के दिया हुआ है तो टू नहीं ए लिखेंगे ठीक है यहाँ पर आपको बुक में टू लिख के दिया हुआ है यहाँ आप ए लिखें टू नहीं लिखें ठीक है अगर टू भी लिख देंगे मसला नहीं है लेकिन यहाँ आप ए ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो ये आंसर हमारा सही हो गया बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि इसमें भी हमने जो है इसी तरह की फॉर्मूले को इसी तरह की चीज़ को अप्लाई करना है सबसे पहले क्वेश्चन मैं निकाल के लिख लेता हूँ चले क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे तो आपको लग रहा होगा का काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है लेकिन पाँच छः स्टेप में सॉरी चार पाँच स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा ये हो गया थीरी ठीक है क्यूब और ये हो गया टेन अपॉन नाइन टेन अपॉन नाइन लॉक तो नोमिनेटर में क्या दिया हुआ आपको नोमिनेटर में आपको दिया हुआ है नाइन ठीक है वो टेन दिया हुआ सॉरी ठीक है तो लॉक ए और उसके बाद आ गया एक्स प्लस वन ठीक है यहाँ क्वेश्चन गलत उतर गया तो फिर तो आंसर ही गलत आना है तो इसलिए क्वेश्चन उतारते वक्त मेरा होता है कि ध्यान के क्वेश्चन बिल्कुल सही उतरे ताकि फिर आंसर गलत हो ना हो जाए मुझे दोबारा ना कराना पड़ जाए यहाँ आप तक कोई गलत चीज़ ना पहुँच जाए ठीक है तो क्वेश्चन उतार दिया मैंने और अगर आपको भी कुछ लगे कि कुछ गलत हो तो बता दिया करें ठीक है तो क्वेश्चन जो है मैंने पूरा यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारा चलें अब क्या करते हैं कि आपको तो बिल्कुल ये बात पता है कि रूल नंबर थ्री के, के मुताबिक के जो पावर होती थी उसको हम आगे ले आते थे तो अब रूल नंबर थ्री को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि इस वन अपॉइन्न थ्री को जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पावर बना देंगे ठीक है याद है ना चलें एक बार और लिख के दिखा देता हूँ कि ये था ना रूल नंबर थ्री हमारे पास कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई पावर डी वी है जैसे कि यहाँ पर फाइव डी वी है तो तुमने उसे क्या करना होता था फ़ाइव को आगे लिख लेना था होता था और लॉक लगा कर ए लिख लेना होता था अब आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है इसमें ले जाना है ठीक है ठीक है समझ रहे है ना इसमें दिया हुआ है इसमें ले जाना है तो कोई मसला नहीं है चलें करते हैं इस चीज़ को अप्लाई कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वन ओ पॉइंट थ्री से ऊपर लिख देते हैं लॉग एक्स माइनस वन तो ये थ्री के साथ इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री ठीक है यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ करेंगे कि प्लस लॉग ए एक्स हो गया और ये प्लस हो गया वन और इसे ऊपर ले जाते हैं टेन अपॉन नाइन अब इधर भी यही चीज़ करेंगे बिल्कुल ठीक है तो इसको जो है वो इसके साथ माइनस भी ऊपर ले जाएंगे ठीक है इसे प्लस कर देंगे माइनस ऊपर लेगा तो प्लस हो गया ठीक है लॉग ए एक्स प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन नाइन तो जब आप इस वन अपॉन नाइन को दोबारा यहाँ लगाएंगे ना यहाँ पर तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी ठीक है तो हमने सही किया है तो चलें अभी इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कराते हैं लॉक ए लगाना नहीं भूलें यहाँ पर ठीक है ए तो एक्स माइनस वन तो थ्री थ्री के ऊपर आ गया और कैंसिल भी हो जाएगा चलें इसे कैंसिल अगले स्टेप में करेंगे तो ये भी थ्री है ठीक है साफ नज़र आए थ्री ठीक है तो अब ये देखें आगे क्या लिखा है लॉग लॉग टेन एक्स माइनस एक्स प्लस वन टेन अपॉन नाइन ठीक है प्लस प्लस हो गया हमारे पास और उसके बाद हमारे पास क्या है आगे प्लस के बाद हमारे पास है लॉग प्लस के बाद हमारे पास है लॉग अच्छा ये माइनस है सॉरी ये प्लस नहीं है अच्छा चलिए हमने इसको प्लस कर दिया था ठीक है तो ये हमने इसे प्लस कर दिया था तो ये हो गया प्लस लॉग ए एक्स प्लस वन अपॉन नाइन ठीक है तो यहाँ तक हमारा जो है वो बिल्कुल सही आ गया चले आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या हो रहा है कि ये ए हो गया ये बी हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन टू और x प्लस वन अपॉन्ट टू यहाँ पर कौन सा x प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन तो यहाँ पर कौन सा स्टेप लग रहा है वन स्टेप लग रहा है कि भाई जब दो लॉग आपस में सेम हो यानी जब दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हों तो क्या होता है कि उन्हें ए लॉग को एक बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं चलें यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कौन सा स्टेप लगा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है ना तो मुश्किल हो सकता है समझने में ए बी ठीक है तो क्या करते थे हम ए प्लस लॉग ए बी ठीक है तो इस फॉर्म में दिया हुआ है देखें लॉग ए ठीक है ये ए दिया हुआ है अब ए के ऊपर पावर कुछ भी हो कोई मसला नहीं है ठीक है ये दिया हुआ ए ये दिया हुआ बी तो अब आप इसे अगर बंद करेंगे तो लॉक को एक बार लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे ठीक तो है तो चलें ये स्टेप लगाते हैं चलें इस स्टेप को लिखते हैं तो ये हमारा हो गया इसको कैंसिल कर देते हैं देखें वन थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो सिर्फ वन बचा लिखने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है तो लॉक को एक बार लिख लिया ठीक है तो इन दोनों को आपस में लिख लिया हमने क्या किया कि x प्लस वन टेन अपॉइंट नाइन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉइंट नाइन अब अगर इसे दोबारा करेंगे तो ये चीज़ क्या करेंगे अगर कर दोबारा लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे कि लॉग इसके साथ भी ले लेंगे इसके साथ भी और प्लस की साइन आ जाएगी जैसे कि ऊपर हुआ हुआ, हुआ हुआ है ठीक है तो ये हो गया एक्स माइनस वन ठीक है तो क्या करेंगे अब देखें बेसिस सेम है एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन बेसी सेम है पावर ऐड हो जाएंगी ठीक तो है तो चलें ऐड कर देते हैं तो ये एक बार लिख लेते हैं एक्स प्लस वन और टेन अपॉन नाइन माइनस टेन अपॉन नाइन तो इसका एल सी एम यहाँ ले लेता हूँ मैं आपके लिए ठीक है ताकि आपको पता चल जाए सेम है नीचे डिनोमिनेटर तो नोमिनेटर को जो है वो माइनस करा देंगे आपस में नाइन तो ये माइनस हो गया तो कितना हो गया नाइन अपॉन नाइन तो नाइन अपॉन नाइन वन माइ वन के बराबर होता है ठीक है तो वन आ रहा है इसका आंसर इसके जो पावर है उसका जो एल है वो बनाएगा और प्लस वन आएगा ठीक है तो ये मैंने लिख लिया लॉग ए ठीक है ये हो गया हमारे पास अच्छा तो ये कितना हो गया हमारे पास एक्स प्लस वन ठीक है तो ये एक्स प्लस वन जो है हमारा यहाँ पर आ गया तो ये जो है हमारा क्या हो रहा है अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये जो है हमारे पास प्लस आ रहा है बीच में ठीक है रूल नंबर वन बीच में प्लस आ रहा है दोनों लॉक मौजूद है तो लॉक को बाहर निकाल लें ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करा दें ठीक है रूल नंबर वन याद है ना लिखवाया था बार बार अच्छा अब यहाँ पर एक स्टेप और होगा फिर ये आंसर आ गया ठीक है थीके? तो ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है तो देखें यहाँ पर ए जो है वो एक्स है बी जो है वो वन है ए जो है वो एक्स से बी जो है वो वन है देखें यहाँ पर चलें इसे मैं थोड़ा सा इस जैसा ही बना देता हूँ इधर माइनस ले लेता हूँ इधर प्लस ले लेता हूँ देखें ये ए माइनस बी ठीक है ए प्लस बी अब इस फार्मूला में बंद कर सकता हूँ ना मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो ये फार्मूला आ गया आपके पास आंसर आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस वन इस पर स्क्वायर क्यों नहीं लिया क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है चाहे क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो तो ये आपका अल्लाह के फजलो गर्म से अच्छा सा आंसर आ गया ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ी आपको नहीं हुई होगी समझने में काफ़ी लेंदी करके लिखाया है अच्छा एक चीज सॉरी यहाँ पर जो है मैं देख लेता हूँ कि ये वो पीछे की तरफ चला गया यानी वो जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था वो पीछे चला गया तो चलें इसको फिर यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और a प्लस बी ठीक है अब दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर कर दूँ अब दिख रहा होगा पूरा फार्मूला तो इस फॉर्मूले में मैंने इसको बंद कर दिया देखें ये ए जो है वो एक्स हो गया बी जो है वो वन हो गया ए जो है वो एक्स हो गया बी जो है वो वन हो गया और बीच में प्लस तो इसमें बंद कर दिया फॉर्मूले में ठीक है तो ए पे वन पे स्क्वायर क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ तो बी पे स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर वन ही होता है क्यूब ले लो कुछ भी ले लो वन ही रहेगा ठीक है तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा जो मैंने आपको लिखवाया तो यहाँ पर हमारा जो है ये हो गया आंसर आ गया अब आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ईजी क्वेश्चन है आसानी से हो जाएगा ठीक है बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा पीछे क्वेश्चन वाले उसके लॉन्ग लॉन्ग होगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट पीछे पड़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दिया हुआ अच्छा इधर ए नहीं दिया हुआ ठीक है यहाँ ये ए हटा दें क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ ए हमें खुद ही उन्होंने हटा के दिया है तो एक्स प्लस थ्री और फिर थ्री और लॉग होल एक्स प्लस वन ठीक है ये आ गया हमारे पास और फिर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो ये हमारा हो गया कि लॉक एक्स माइनस टू लॉक एक्स प्लस थ्री लॉक एक्स प्लस वन माइनस लॉक एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो कैसे करेंगे जैसे पीछे करते हैं वैसे ही करेंगे सबसे पहले जो है वो रूल नंबर थ्री लगाएंगे कि पावरों को जो है वो ये जो आगे लॉक के नंबर लिखे हैं इसे पावर बना देंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी तो प्लस हो गया हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉक एक्स का स्क्वायर ठीक है चलें इसको स्क्वायर सही बनाते हैं तो इधर भी यही होगा ऊपर चले जाएगी पावर एक्स प्लस वन का क्यूब और ये भी जो है ऊपर चली जाएगी हमारे पास पावर तो ऊपर इधर तो बल्कि पावर है ही नहीं कोई ठीक है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया ठीक है तो अब आपको याद होगा कि जब दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हों तो क्या करते हैं लॉग को एक बार लिख लेते हैं और ए और बी की वैल्यू को आपस में डिवाइड करा देते हैं ठीक है तो यहाँ पर यही तरीका अप्लाई होगा एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर तो एक लॉग को जो है वो एक बार लिख लिया लॉग और इनकी वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करा दिया ठीक है ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू ठीक है होल पर आ रहा है और यहाँ मेरे पास आ गया यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया एक्स माइ एक्स का स्क्वायर माइनस वन चलो ऐसा सही करके लिखता हूँ अच्छा आपको फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पीछे फार्मूला लिखवा दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी ठीक है अब ये फार्मूला यहाँ लगेगा ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस वन पर और वन पर स्क्वायर हैगा लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस वन का कुछ भी लो स्क्वायर क्यों वन ही आता है ठीक है तो अब यहाँ पर जल्दी से इसे जो है मैं लिख देता हूँ अच्छा इसको लिखने से पहले यहाँ पर भी एक फ़ार्मूला बंद हो रहा है तो इधर भी हाथ के हाथ फार्मूला बंद कर देते हैं कौन सा वाला कि जब भी दो लोग आपस में प्लस हो रहे हों तो लॉग को एक बार लिख लेते हैं और ए और बी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एक्स और ये हो गया हमारे पास एक्स और ये हमारे पास एक्स क्या हो गया देखिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया था लिखा नहीं ठीक है तो ये माइनस आएगा ठीक है तो ये हो गया माइनस ठीक है तो ये हमारा आ गया चल इसको नीचे करके लिखते हैं ताकि जगह बचे हमारे पास तो ये लॉग एक बार ले लिया एक ये ए आ गया और ये बी आ गया बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी क्यों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में चलें भाई अब इसको करते हैं फार्मूला याद है ना आपको जो मैंने अभी बताया था वही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा कि एक्स सॉरी ए नहीं एक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन तो देखें एक्स प्लस वन यहाँ भी है एक्स प्लस वन ऊपर भी है तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि बेसिस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं ठीक है थीके? मतलब वही चीज़ अप्लाई हो रही है लेकिन वो लिखते नहीं है डायरेक्ट कर देते हैं इसको इससे काट दिया ये एक से एक कट गया तो तीन में से दो गए तीन में से एक गया कितना होता है हमारे पास दो आता है ठीक है तो पावर बच जाएगी दो क्योंकि एक्स प्लस वन एक जो है वो एक्स प्लस वन थ्री से कैंसिल कर दिया बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी ठीक है तो ऐड होकर क्या हो जाएंगी वन और प्लस ही हो रहा है तो माइनस ही आ जाएगा चलें काम करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करता हूँ वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ठीक है तो माइनस टू ठीक है बेसिस सेम पावर एट चले भाई ये आ गया लॉक जो चीज़ें डायरेक्ट करने वाली होती हैं वो भी मैं आपको पूरी करवा देता हूँ ताकि समझने में मुश्किल ना हो तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन ठीक है तो चलें आप एक छोटा सा स्टेप और है वो कर देते हैं ये कितना हो गया माइनस 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 प्लस माइनस और अगर वन चलें इसको मैं पूरा करता हूँ माइनस टू हो गया ठीक है ये हो गया हमारे पास अच्छा अब आ गया लॉग और ये हो गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर और ये हो गया एक्स माइनस वन ठीक है तो अब एक इस यहीं पे चलें इसे मिटा कर ऊपर लिखते हैं यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सवाल अब आगे करते हैं तो वन में से माइनस टू किया तो कितना आता है माइनस वन क्योंकि माइनस जो है वो टू के साथ है ठीक है तो माइनस तो आप कैलकुलेटर से भी करके चेक कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो अभी आपके पास कितना हो गया स्टूडेंट अब जो है ये आपके पास यहाँ पर अच्छा बीच में यहाँ एडिशन की भी साइन थी वो मैं लगाना भूल गया तो यहाँ बीच में एडिशन की साइन लगा लें ठीक है तो ये एडिशन की साइन बीच में आएगी ठीक है तो ये हो गया एक्स माइनस वन तो आपको जो है ये बात याद होगी कि जब भी हमारे पास दो लॉक आपस में प्लस हो रहे हों तो क्या करते हैं लॉक को एक बार ले, ले लेते हैं लॉक को एक बार लिख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये x आ गया ठीक है ये a की वैल्यू हो गई ये b की वैल्यू पूरी आ गई x प्लस वन का स्क्वायर और ये x माइनस वन और ये इन्वर्स भी है इसके साथ ठीक है तो अब ये इन्वर्स है ना नीचे ले जाते हैं इन्वर्स से क्या होगा ये इन्वर्स से ये एड ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी ऊपर आने से वैल्यू नेगेटिव हो जाती है नीचे जाने से पॉजिटिव हो जाएगी एक्स प्लस वन का स्क्वायर और ये हो गया x माइनस वन और ये x ये वाला देखें यहाँ पर बता देता तो हूँ क्या किया मैंने समझे आपके पास ऊपर a मौजूद है नीचे b मौजूद है ठीक है तो जब आप b को ऊपर लेके जाएंगे ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा और अब जब वापस नीचे ले आएंगे तो ये दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है यही चीज़ यहाँ भी की कि उसको मैं नीचे ले आया तो वो पॉजिटिव हो गया ठीक है तो आंसर हमारा सिंपली आ गया कोई रॉकेट साइंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया आप चाहें तो पीछे से चेक कर सकते हैं अब आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री पे वो ज़्यादा सिंपल है वो करते हैं अब जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने आखिर करना क्या है देखें इसमें सिंपल है आपको जो है वो ब्रेक करना है लॉक को बहुत सिंपल क्वेश्चन है दो दो लाइन में हो जाएंगे तो देखें यहाँ करना क्या है आपको दिया हुआ है लॉक टू ठीक है लॉक टू की वैल्यू दी हुई है अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो यही आएगी जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो और यहाँ फिर आप अगर उससे निकालें टेबल से तो भी यही आएगी जो कि मैं सिखा चुका हूँ यहाँ पे लॉक टू की वैल्यू दी हुई है लॉक थ्री की वैल्यू और लॉक फ़ाइव की वैल्यू और फिर कहा जा रहा है कि देन दाइ देन फाइन द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल तो क्या करना बताता हूँ कि यह आपको वैल्यू दी हुई है वन लॉग फिफ्टीन बगैर टेबल के बग़ैर कैलकुलेटर के इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब आपने तो लॉक्स याद किए हुए नहीं है कि लॉक वन कितने के बराबर होता है लॉक टू तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है आपने जो है बस ये वैल्यू जो मैं लिखवा रहा हूँ ये याद रखनी है ठीक है इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ तो लॉक टू जो है आपके पास बराबर है लॉक टू कितना दिया हुआ है बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत सिंपल है कुछ भी याद नहीं करना है यहाँ पर ठीक है तो ये आपको दिया हुआ है ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है ये गलत नहीं होना चाहिए वरना आंसर ही गलत आता रहेगा लॉक थ्री दिया हुआ है जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन लॉक फोर दिया हुआ है सॉरी लॉक फाइव है लॉक फाइव दिया हुआ है लॉक फाइव आपको कितना दिया हुआ है लॉक फाइव आपको दिया हुआ है ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन ज़ीरो तो क्या करना है हमने इसको ऐसे तोड़ना है कि ये जो है वो या तो टू थ्री फाइव में से कुछ बन जाए तो हम क्या करेंगे कि लॉक फ़िफ्टीन को तोड़ेंगे तो लॉक फ़िफ्टीन को मैं कितने में तोड़ूंगा लॉक फिफ्टीन को स्टूडेंट में तोड़ूंगा कितने में मैं हम जो है वो लॉक फिफ्टीन को तोड़ देंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव तो आपको पता है कि थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना होता है फ़िफ्टीन होता है तो ये इसको दोबारा फ़िफ्टीन बना सकते हैं तो हमने जो है वो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव में तोड़ दिया सही है अब आपको पता है कि जब दो लॉक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं दोनों के साथ लॉक भी दे देते हैं और बीच में प्लस की साइन लगा देते हैं रूल नंबर वन ठीक है प्लस अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लॉक थ्री की वैल्यू क्या है तो आपको पता है लॉक थ्री की वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट सेवन फोर फोर वन तो लिख देते हैं भाई जब आपको पता है तो ठीक है प्लस लॉक फाइव की वैल्यू भी आपको पता है ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन ज़ीरो अच्छा आप पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों जो है वो पॉजिटिव हैं तो ऐड कर दीजिए वन पॉइंट वन सेवन सिक्स वन ये आंसर आ गया दोनों को जब ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा आप चाहें तो आप लॉक फिफ्टीन निकल के देख लें ठीक है अगर आप लॉक फिफ्टीन निकालेंगे तो आपके पास इन आंसर यही आएगा जो कि मैंने आपको लिखवाया है और बिल्कुल एक्यूरेट आएगा ठीक है अच्छा उसमें जो है वो जीरो आ रहा होगा लेकिन यहाँ जो है राउंड ऑफ करके वन ले लेंगे पीछे के थारे नंबरों को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो गया अब अपना अगला क्वेश्चन उतारते हैं तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है सिक्सटी तो सिक्सटी को क्या करेंगे हम सिक्सटी को भी ब्रेक करेंगे ठीक है कितने में ब्रेक करेंगे सिक्सटी फोर को जो है वो हम कितने में ब्रेक करेंगे टू में ब्रेक करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू और उसके बाद जो है वो तीन टू और लगाएंगे थ्री टू और लगाएंगे तो ये हमने ब्रेक कर दिया अगर आप जो है वो टू की पावर सिक्स लेंगे तो आपके पास दोबारा सिक्सटी फोर बनेगा चाहे तो आप लेके चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने क्या किया इसे ब्रेक कर दिया ठीक है अगर आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 64 फोर में देगा तो अब आपको पता है कि जब आपके पास लॉग मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं यानी ए बी सी डी पहले तो दो नंबरों के लिए पढ़ रखा है हमने ठीक है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसी की तरह ये भी है कि सी डी ई एफ जी जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हो रूल वही सेम रहेगा कि लॉक लेते जाएँ और आगे जो है वो प्लस लगाते जाए ठीक है तो लॉग लॉग हमने लॉक लिखा और टू लिख दिया प्लस लॉक लिखा टू लिख दिया प्लस लॉक लिखा टू लिख दिया प्लस लॉक लिखा और टू लिख दिया फिर लॉक लिखा फिर टू लिख दिया फिर लॉक लिखा फिर टू लिख दिया छः हो गया एक दो तीन चार पाँच छः ये वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने कि अगर लॉक जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों अगर लॉग जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों ए और बी तो आप क्या करेंगे लॉग लिख लेंगे ए के साथ और प्लस लगा के लॉग लिख लेंगे बी के साथ अब इसी तरह से अगर सी भी हो तो वहाँ भी यही करेंगे कि लॉग लिख लेंगे आप सी के साथ भी प्लस लगा कर और इसी तरह ई डी जी एफ जितने भी नंबर हो ऐसे ही करेंगे ठीक है वही चीज़ मैंने यहाँ ऊपर अप्लाई करी है ठीक है तो चले मिटाते हैं तो अब लॉग टू आपको पता है कितना होता है तो ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो तो इसे जो है सिक्स टाइम लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एक टाइम और लिख लेते हैं तो इधर तो जगह नहीं है इधर इधर लिख लेता हूँ ठीक है अच्छा अब अब इन तीनों जब आप इन तीनों आई मीन छः के छः ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा ठीक है या फिर एक काम करें कि जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो को सिक्स से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या आएगा आंसर वन पॉइंट एट ज़ीरो सिक्स टू ठीक है ये आपका होगा आंसर समझ गए ना ऊपर क्या किया नीचे क्या किया तमाम स्टेप आपको डिटेल में समझा है ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो और मुझे समझाने में मुश्किल ना हो तो ये हो गया हमारा आप आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है लॉग फाइव की पावर सॉरी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं लॉग फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई टू होल के ऊपर वन अपॉइंट टू ठीक है तो ये हमने इसके ऊपर कर दिया स्टेप अप्लाई कर दिया ठीक है तो आपको पता है कि जब भी लॉक के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और उसकी पावर हो तो वो आगे आ जाती है ठीक है तो ये वन अपॉइंट टू आगे आ गया, गया, गया और लॉक हो गया और फाइव मल्टीप्लाई बाय टू हो गया ठीक है तो ये जो है वो होल पर है तो इसी इसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें ठीक है ये वन अपॉइन्ट टू जो है वो फाइव के ऊपर भी है और टू के ऊपर भी है तो जब ब्रैकेट लगा लेंगे तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि दोनों के ऊपर है तो अब आप ये देखें ये ए है ये बी है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे लॉग वन अपंट टू भी लिख दें बाहर और ब्रैकेट लगा लें सही है लॉग फाइव प्लस लॉग टेन लॉग टू सॉरी ये आपको पीछे करा चुका हूँ ना आपको पता है भूलिएगा मत ठीक है वरना तो फिर बार बार बताना पड़ेगा तो लॉग फाइव की वैल्यू ये रही आपके पास जो कि आपको दीव है गिवन है सिर्फ ब्रेक करना है नंबरों को और लॉग टू की वैल्यू दी हुई है हम सिर्फ ब्रेक कर सकते हैं टू थ्री फाइव इसके अलावा किसी और नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो नंबर इसके अलावा इन दोनों को ऐड करें और इससे डिवाइड कर दें तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास वन ठीक है ये तो आप कर सकते हैं तो ये वन अपॉइंट टू है तो वन अपॉइंट टू कितना होता है जीरो पॉइंट फ़ाइव तो अगर आप जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करें चले मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर है ये रहा लॉग ठीक है ये रूट लगा दिया हमने फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री तो आप देख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाय टू है, है सॉरी मैंने थ्री लिख दिया टू है तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है जीरो अपॉइंट फाइव तो ये बिल्कुल सही हमने किया है ठीक है गलत करा था तो देखा आंसर गलत आ गया लेकिन ये अभी सही किया तो आंसर यहाँ सही आया है तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी सिंपल है कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है यहाँ लिखें लॉग लॉग लिखने के बाद 48 एट अब इसे भी टू या फ़ाइव में ब्रेक करना पड़ेगा तो टू फाइव में तो ये ब्रेक नहीं होगा तो ये ब्रेक किस में होगा लॉग टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री ठीक है अब आप अगर इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना इन तमाम नंबर को तो दोबारा फ़ोर्टी एट आ जाएगा चलें आपको मैं करके दिखाता हूँ तो इधर कैलकुलेटर से कर देता हूँ टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री ठीक है एट दोबारा आ गया ठीक है तो अब यहाँ पर क्या दो सब के साथ लॉक लेते जाएंगे और एडिशन की साइन लगाते जाएंगे ठीक है ये मैंने करता जा रहा हूँ तो लॉक टू की वैल्यू तो आपको पता है और लॉक थ्री की वैल्यू भी आपको पता है तो लॉक टू की क्या वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो और लॉक टू की वैल्यू क्या है ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन जीरो और लॉक थ्री की वैल्यू क्या है ज़ीरो पॉइंट चले प्लस हो रहा है बल्कि प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन ठीक है तो अब इन तमाम नंबरों को जब आप आपस में ऐड करेंगे चाहे तो कैलकुलेटर से कर लें या चाहे तो रफ़ वर्क में कर लें तो आपके पास क्या आएगा, आएगा आंसर पहले इन तमाम नंबरों को ऐड कर लेते हैं टू वाली वैल्यूज़ को तो आंसर आएगा आपके पास वन पॉइंट टू जीरो फ़ोर ठीक है एडिशन तो आप कर सकते हैं ना आप ये भी अगर मैं कराऊँगा तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा हिसाब किताब ठीक है एडिशन करनी है इसको जीरो पॉइंट थ्री जीरो को इसके साथ इसके साथ और इसके साथ एडिशन करनी है फिर जो है हम ज़ीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर सेवन वन वन को ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ से उठाकर जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास वन पॉइंट सिक्स एट वन टू तो ये बिल्कुल सही आंसर आया है अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से पीछे से भी देख सकते हैं चलो कैलकुलेटर से लेके दिखाता हूँ ये लॉक लगाया फोर्टी एट लगाया तो क्या आंसर आ रहा है वन सिक्स एट वन टू वन सिक्स एट वन टू यहाँ भी आ रहा है तो चलें आगे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास अगला पार्ट है उसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं फिर आगे जो है वो तेज़ी से हम अपनी आगे जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं तो अगला जो पार्ट है वो हमारे पास है लॉग लॉक है और होल स्क्वायर स्क्वायर रूट एटीन ठीक है स्क्वायर रूट एटीन है ठीक है तो इसे क्या करना है इसे भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पीछे सॉल्व करते हुए आए हैं सबसे पहले जो है हम पावर को सॉल्व करते हैं ठीक है जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करते हैं तो वन अपॉइंट एटीन और इसको जो है वो वन अपॉइंट टू पावर बना लिया अब इसको आगे रख दिया ठीक है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा रखा है तो ये लॉक एटीन अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास फाइव या फाइव थ्री टू इनमें से कोई नंबर आए तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो आ जाएगा लॉग हमारे पास आ जाएगा लॉग फाइफ लॉग टू सॉरी थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू तो अगर आप इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा एटीन आ जाएगा ठीक है तो अब वही अब अप कौनसेप अप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सबको लॉग दे दो और जो है वो प्लस लगा दो ठीक है वही कौनसेप अप्लाई कर दिया ठीक है तो हमें जो है वो पता है कि लॉक थ्री कितना होता है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन प्लस लॉक थ्री ज़ीरो पॉइंट सेवन फोर फोर है दो टाइम है ना और फिर लॉक टू कितना होता है ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो ठीक है तो अब इन तीनों नंबरों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा इन तीनों नंबरों को ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा वन अपॉन्ट टू और वन पॉइंट टू के साथ मेरे पास एक और नंबर भी आएगा वन पॉइंट टू इन तीनों नंबरों को ऐड करने के बाद वन पॉइंट टू फाइव फाइव टू तो इनको आप ऐड करके देख सकते हैं यही नंबर आ रहा होगा तो आंसर आ जाएगा जब मैं टू से डिवाइड कर दूँगा तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू सेवन सिक्स ठीक है यह आंसर हो जाएगा चाहे तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं बुक के पीछे से भी देख सकते हैं आंसर सेम ही होगा इंशाल्लाह शाला अब अपना आगे करते हैं तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा तो क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो है ये हमारे पास है सिक्स और ये थर्टी सॉरी लॉग भी लगा देते हैं लॉग थर्टी ठीक है तो अब क्या करना है इसे ब्रेक करना है तो लॉग थर्टी कितने के बराबर होता है हमारे पास हमारे पास बराबर होगा थ्री मल्टीप्लाई बाई टू और मल्टीप्लाई बाय फाइव अगर थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव करें तो थर्टी के बराबर होगा तो अब वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं थ्री के साथ दे दिया लॉक लगा के प्लस कर दिया टू के साथ दे दिया लॉक लगा कर प्लस कर दिया फ़ाइव के साथ दे दिया लॉक थ्री फाइव टू यहाँ पर आपको दिया हुआ है लॉक थ्री कितना होता है जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन प्लस लॉक टू कितना होता है जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो और लॉक फाइव कितना होता है जीरो पॉइंट नाइन सिक्स नाइन नाइन जीरो ठीक है तो इन तीनों नंबरों को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आएगा वन पॉइंट फोर सेवन सेवन वन तो आप चाहें तो मैच करके देख सकते हैं कोई भी गलती इंशाल्लाह नहीं आई होगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी इसी कॉन्सेप्ट से होना है लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो सेवन होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सेवन इसके बाद से आखिरी क्वेश्चन ले जाएगा टोटल एट थे इसमें थ्री लॉग थ्री अपॉन टू एट अपॉन थ्री सॉरी तो यहाँ पर देखें आप डिवाइड हो रहा है एट अपॉन थ्री तो आप पढ़ चुके हैं कि जब भी ये पहले बल्कि पहले हमें लॉग एट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लॉक एट नहीं है तो पहले लॉक एट सॉल्व करते हैं यानी इसे फाइव और फाइव मल्टीप्लाई नहीं इसे जो है फाइव में नहीं तोड़ सकते वरना नहीं आएगा तोड़ना पड़ेगा टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू और नीचे थ्री ठीक है तो लॉग दोनों के साथ दे दिया लॉग ऊपर वाले वैल्यू को देख लिया ठीक है ये हो गया अब चाहिए ऊपर ले गए माइनस का लगा दिया लॉग लिख दिया ठीक है क्योंकि ये ए है ये पूरी वैल्यू को मैंने ए मान लिया ये पूरी वैल्यू को मैंने बी मान लिया तो जब ए और बी आपस में डिवाइड हो रहे हो तो ए के साथ भी लॉक ले लेते हैं बी के साथ भी और ए और बी के दमियान माइनस लगा देते हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट आ गया अच्छा अब इधर भी लॉक अप्लाई करते हैं जब लॉक मल्टीप्लाई हो रहे हों आपस में तो क्या करते हैं कि प्लस लगा लेते हैं और फिर लॉक लिख देते हैं ठीक है फिर वैल्यू लिख देते हैं जो दी हुई होती है बार बार एक ही चीज़ रिपीट की है इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी और बार बार लिखवाई भी एक ही चीज़ है तो मुश्किल नहीं हुई होगी ठीक है तो आप लिखते हैं लॉक टू कितना दिया हुआ है आपको जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन जीरो तीन टाइम है ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो और माइनस ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन देखें बोली यहाँ लिखी हुई है मैंने सारी तो इन सब को जब हमने सॉल्व किया जब इन सब को हमने सिम्पलीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया आप चाहें तो इसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास ज़ीरो पॉइंट फोर टू फाइव नाइन ठीक है ये आंसर आ गया इधर आंसर लिख देते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर टू फाइव नाइन चले हाँ यहाँ एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं लॉक एट अपॉन थ्री आप देख सकते हैं कि जो हमने निकाला वही आया है ज़ीरो पॉइंट फोर टू फाइव नाइन ठीक है बुक में पीछे भी यही दिया हुआ होगा आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने सवाल नंबर फ़ोर की तरफ अच्छा सवाल नंबर फ़ोर आपको पीछे बुक में नहीं दिए हुए होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करने नहीं है मतलब उनके आंसर पीछे नहीं दिए होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करने नहीं है वो भी करने हैं लेकिन वो प्रूफ करने वाले सवाल हैं तो उसके आंसर सामने ही लिखे हुए होंगे ठीक है तो वो हमें उधर ही से मिल जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं सिम्प्लीफाई फर्स्ट वी डू सिम्प्लीफाई फर्स्ट वी विल डू सिम्प्लीफाई तो तीन ये हो गया वन अपॉइंट टू ठीक है तो वन अपॉइंट टू आपको पता है कि ये ए हो गया ये बी हो गया जब भी ए और बी डिवाइड हो रहे हों और दोनों के साथ लॉक लगाते हैं तो क्या होता है बीच में माइनस आ जाता है ठीक है तो फाइव माइनस लॉक तीन वन अपॉइंट टू और तीसरा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि जो पावर होती है वो उठकर आगे लॉग के साथ आ जाती है तो यहाँ लगा देते हैं तो ये टू है सही है तो फाइव माइनस वन अपॉन टू लॉग थ्री तो लॉग थ्री आपको पता है कितनी हो, कितना होता है पहले लॉग फाइव लिख लेते हैं ठीक है तो ये हो गया आपके पास लॉग फाइव अब ये वन अपॉन टू अब लॉग थ्री कितना होता है आपके पास जीरो पॉइंट फोर टू टू सॉरी फोर सेवन सेवन वन ठीक है तो इसको जब आपने सॉल्व किया फ़ोर सेवन सेवन वन को जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन को टू से डिवाइड किया तो आपके पास आया ये तो मैंने यही वैल्यू नीचे उतार दी अब ये यहाँ पर आपके पास आएगा ज़ीरो पॉइंट टू थ्री एट फाइव सही है अब इन दोनों को जब माइनस किया तो आया ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स जीरो फाइव चाहें तो पीछे कैलकुलेटर से मैच कर लें या पीछे से देख लें जाके ठीक है तो आंसर हमारे तमाम सही आ गए क्वेश्चन नंबर थ्री तेजी में करा दिया आपको क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है बल्कि वो ट्रिकी है ही नहीं वो ऐसे ही हो जाएगा सिंपल ही तो आपने बस जो मैं समझा रहा हूँ वो याद रखना बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है चले आए सॉल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में फोर में आपको क्या कहा जा रहा है प्रूफ द फॉलोइंग अब प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं तो आंसर सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं कि लॉग बहुत सिंपल क्वेश्चन है दो स्टेप में हो जाएगा ठीक है दो स्टेप में ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली हो जाएगा तो क्या दिया हुआ है आपको लॉग बी एम मल्टीप्लाई बाय लॉग एम ए और उसके बाद में इज़ इक्वल टू लॉग बी ए ठीक है तो ये आपको इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे होगा बहुत सिंपल है कोई भी मुश्किल नहीं होगा देखें ये ए वैल्यू ये बी वैल्यू ये सी वैल्यू ठीक है पहली वाली जो वैल्यू है यानी जो पहला वाला लॉग है उसको आप ले लें बराबर उसको आप ले लें बराबर क्यू के ठीक है पहले वाले लॉग को दूसरा वाला जो लॉग है वो लिखें और उसकी जो वैल्यू है बराबर ले लेते कहीं ये b बेस है यहाँ पर m बेस है यहाँ पर b जो है वो यहाँ पर m जो है वो x की वैल्यू है यहाँ पर a जो है वो x की वैल्यू है ठीक है ये याद रखिएगा इसको ले लें आप पहले वाले को बोलें p के बराबर ठीक है दूसरे वाले को बोलें q के बराबर अच्छा तीसरा वाला जो इज इक्वल टू किस तरफ लॉक है उसको ले लीजिए उसको ले लीजिए आप आर के बराबर ठीक है कोई मुश्किल नहीं है पहले वाला लॉक ए के बराबर दूसरा लॉक बी के बराबर तीसरा लॉक पहला वाला लॉग पी के बराबर दूसरा वाला लॉग क्यू के बराबर तीसरा वाला लॉग आर के बराबर टोटल तीन लॉग है ना तो तीनों को हमने किसी ना किसी के बराबर ले लिया ठीक है तो हमारा अब ये यहाँ तक हो गया तो अब क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है ठीक है भूले तो नहीं है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा चुका हूँ तो वो आपको जो है मैं उम्मीद करता हूँ याद ही होगा कि हमने उसमें क्या किया था सही है एक्सपोनेंशियल का फॉर्म फॉर्म का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर के ए वाई और फिर हमारे पास क्या आता एक्स तो ए क्या है हमारे पास ये बी ठीक है यहाँ पर बी है और एक्स क्या है हमारे पास ये एम और पी क्या है हमारे पास ये वाई अब इसी तरह से यहाँ पर ए जो है वो एम है यहाँ पर एक्स जो है वो ए है यहाँ पर वाई जो है वो क्यू है ठीक है और यहाँ पर ए क्या है बी और एक्स क्या है ए और हमारे पास जो है वो वाई क्या है आर ठीक है भूले तो नहीं है ना तो सबसे पहले वाले इक्वेशन को उठाते हैं ठीक है तो ये जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले वाले पहली वाली चीज़ को उठाते हैं यानी ये जो पहला वाला है इसको उठाते हैं तो इसमें हमारे पास ए क्या है बी सही है ए क्या है हमारे पास बी है ठीक है उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखते हैं जल्दी से ठीक है तो ए तो हमारा बी हो गया अच्छा अब एक्स क्या है हमारा पी ठीक है और उसके बाद वाई पी है सॉरी एक्स क्या है एम ठीक है इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन का अच्छा अब आपके पास ये वाली ये वाली टर्म देखें ठीक है तो आपके पास ए क्या है एम ये देखें ए ये रहा नीचे बेस ए होती है ना अच्छा तो वाई क्या है क्यू देखें वाई क्यू है सॉरी यहाँ देखें गलती हो गई है मुझसे बल्कि सही है ये सही है फॉर्म सही लगा। तो वाई क्या है हमारे पास क्यू सही है तो x क्या है हमारे पास a ठीक है x हमारे पास है a a बोल के क्यों लिख रहा हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर हमारे पास अब याली ट्रम को देखते हैं ठीक है तो a क्या है हमारे पास b और x क्या है हमारे पास x क्या y क्या है हमारे पास r ठीक है और x क्या है हमारे पास a ठीक है तो ये हमारा हो गया ये इक्वेशन वन इक्वेशन वन ऊपर वाली हो गई ये इक्वेशन टू हो गई सॉरी थ्री हो गई ठीक है तो क्वेशन याद रखिएगा ठीक है तो यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गया होगा तो अब क्या करना है अब हमने जो है वो यहां पर मजीद जो है वो सिंप्लीफाई आंसर को करवाना है तो देखें ये वाला जो आपके पास ए है यानी जो आपको ए दिया हुआ है उस ए को आपने क्या करना है उस ए को आपने बी के अंदर पुट करना है तो स्टूडेंट अब यहाँ करेंगे हम कि ये जो m है ना हमारे पास इस m की वैल्यू को इस m के अंदर पुट कर देंगे तो इस m की वैल्यू क्या है बी पी सही है इस m की वैल्यू को सॉरी इस m की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे ठीक है याद रखिएगा इस m की वैल्यू को इस m के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है m की वैल्यू है हमें ऊपर दी हुई है पी पी बी और Q जो है वो पहले से ही M के ऊपर मौजूद था और ये A के बराबर है तो ये क्या आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास पी क्यू और इज इक्वल टू ए देखिए मैंने क्या किया ये M की वैल्यू है ना इक्वेशन वन में M की वैल्यू आपको क्या दी हुई है पी क्यू तो यहाँ पर मैंने M के अंदर पुट कर दी ठीक है तो जब मैंने एम के अंदर पुट की तो क्यू पहले से मौजूद था वो पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गई इक्वेशन फ़ोर ठीक है क्या हो गई इक्वेशन फ़ोर हो गई तो अब जो है आगे सॉल्व करना है अब आगे क्या आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ एक स्टेप इधर कर देता हूँ बाकी फिर ऊपर रिमूव करके करूँगा अब ये वाले ए को ना ये वाले ए को यानी ये जो फाइव वाला ए है ना सॉरी फोर वाला ए इस फोर वाले ए को थ्री वाले ए से कंपेयर कर दें क्या कर दें कंपेयर कर दें ठीक है कंपेयर कर दें तो कंपेयर में क्या करते हैं आप जो आपके पास जो सेम नंबर होते हैं उनकी वैल्यू को एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है बी यहाँ पर ए आपको क्या दिया हुआ है पर आर, यहाँ पर आ गया आर ठीक है यहाँ पर आ गया आर ठीक है आर आ गया अच्छा अब ये वाला ए ये वाले ए से कंपेयर हो गया तो ए नहीं लिखा जाएगा इज इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा पी और यहाँ चले लाइन खेज देता हूँ ठीक है पी और पी के साथ क्यू ठीक है पी क्यू तो ये जो है इससे कैंसिल हो गया ये वाला पी यहाँ क्या हम किया मैंने कंपेयर किया ठीक है सिंपली कंपेयर किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया आर इज़ इक्वल टू पी क्यू ठीक है तो आर इज इक्वल टू पी क्यू आपने याद रखना है तो अब मैं ये रिमूव करता हूँ फिर आगे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आया था हमारे पास आर इज इक्वल टू पी क्यू तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया है कि आपके पास आर किसके बराबर था आर बराबर था लॉग बी ए के ठीक है पी किसके बराबर था लॉग बी एम के और q किसके बराबर था लॉग एम ए के तो अगर आप क्वेश्चन और आंसर को मिलाकर देखें तो दोनों सेम आ गए हैं तो दोनों के सेम आने की वजह से क्या है कि आपने बिल्कुल सही किया देखें यहाँ पर लॉक ए बी और फिर लॉक बी एम लॉक एम ए एन ए तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया कि हमने बिल्कुल सही किया कोई गलती नहीं की अगर गलती की होती तो प्रूफ नहीं होता ठीक है तो ये हमारा एक हो गया अब अपना अगला करते हैं सवाल तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है करवा देता हूँ कि किस तरह से होगा और जो कॉन्सेप्ट पीछे नहीं समझ में आए होंगे तो वो भी यहाँ आपको समझ में आ जाएंगे तो लॉग और लॉग के साथ हमारे पास छोटा सा बिल्कुल करके दिया हुआ है ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग और उसके साथ हमें दिया हुआ है सी ए और फिर हमें दिया हुआ है लॉग सी बी तो अब क्या करना है हमने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वही करते हैं कि यहाँ पर जो है हम लॉग ए बी को जो है वो पी के बराबर ले लेते हैं जो दूसरा लॉग दिया हुआ है सी ए उसको जो है वो क्यू के बराबर ले लेते हैं जो तीसरा लॉग दिया हुआ है हमें तीसरा लॉग उसको जो है हम आर के बराबर ले लेते हैं ठीक है आर के बराबर अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लगा देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला क्या है ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स तो ये जो है वो ए है ये जो है वो एक्स है ये जो है वो वाई है तमाम भी इसी तरह से होगा तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं कि ए क्या है हमारे पास ए जो है हमारे पास ए ही दिया हुआ है और फिर पी दिया हुआ है फिर बी दिया हुआ है इक्वेशन वन कह लेते हैं चाहिए अब इसको देखते हैं तो ए क्या दिया हुआ है हमें सी दिया हुआ है और वाई क्या दिया हुआ है वाई ये होता है क्यू दिया हुआ है और फिर ए आ गया ठीक है अच्छा अब इसको देखते हैं ए क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है ए सी ही दिया हुआ है इधर भी और उसको आर उसके ऊपर आ गया और आर और उसके साथ हमें जो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है ठीक है तो ये इक्वेशन टू हो गई ऊपर वाली इक्वेशन वन हो गई नीचे वाली थ्री हो गई ठीक है थ्री तो ये तो अब क्या करना है कि अब इनमें से किसी एक चीज़ को उठाकर हम दूसरी चीज के अंदर जो है वो पुट कर देंगे क्या करेंगे एक चीज़ को उठाकर दूसरी चीज़ में तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे यानी ये इक्वेशन वन में ए दिया हुआ ना ए आपको यहाँ पर भी है ऊपर भी मौजूद है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे पहले मैं एक काम करता हूँ आपको लिख के दिखाता हूँ शायद आपको समझ में आने में मुश्किल हो रही होगी तो ये जो है मैंने इक्वेशन वन लिख दी अब देखें इक्वेशन टू में आपको ए क्या दिया हुआ है सी क्यू तो यहाँ ए की जगह जो है वो आप पुट कर दें सी क्यू ठीक है ए किसके बराबर था सी क्यू पुट कर दिया ना कोई भी मुश्किल नहीं है चले अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया सी क्यू पी इज इक्वल टू बी तो इक्वेशन फोर हो गई इक्वेशन फोर को ये वाली इक्वेशन फोर से कंपेयर कर दीजिए यानी इक्वेशन फोर को इक्वेशन थ्री से कंपेयर कर दीजिए कंपेयर में क्या करते हैं हम जो इज इक्वल टू के दोनों तरफ वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं और जो सेम होता है उसको नहीं लिखते तो सेम क्या है बी उसको नहीं लिखेंगे तो सी आर लिख लिया और फिर इज इक्वल टू लगा के सी क्यू पी लिख लिया और बी दोनों में सेम था नहीं लिखते कंपेयर करने में तो ये क्या आ गया हमारे पास आ गया आर इज इक्ल टू क्यू पी ठीक है तो अगर अब हमने सही किया होगा तो हमारे पास जो आंसर था वही क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है तो देखें हमारे पास आर क्या आ रहा है आर आया हमारे पास लॉक सी बी ठीक है और पी क्या आ रहा है फॉर्मेट फॉलो है? करते हैं पी क्यू लिखते हैं ठीक है इधर भी जो है वो पी क्यू करते हैं इसे फॉर्मेट को फॉलो करते हैं ठीक है पी क्यू सही है बनना जो है वो अच्छा नहीं लगेगा हम अगर इस तरह करेंगे ना पी क्यू लिखती है ठीक है फॉर्मेट फॉलो करें यानी ए बी सी डी जिस तरह लिखते हैं तो अब पी क्या आ रहा है हमारे पास लॉग ए बी और हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग Q क्या आ रहा है हमारे पास सी ए तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम आ गए हैं देख लीजिए log सी भी लॉक सी बी log ए बी लॉक ए बी लॉक सी ए लॉक सी ए तो आंसर और क्वेश्चन सेम आ गए तो हमने सही किया अगर सही नहीं किया होता तो कभी भी सेम नहीं आते ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी उतारते हैं वो भी कुछ इसी तरीके का है लेकिन उसमें थ्यूरम्स अप्लाई होंगे ठीक है क्या अप्लाई होंगे थ्यूरम्स तो थ्यूरम्स अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए लॉग ए बी लॉग सी बी और अब आ गया हमारे पास वन अपॉन लॉग सी ए इज इक्वल टू वन तो थ्यूरम नंबर वन सबसे पहले देख लीजिए कि आपके पास जो लॉग ये याद रखना होगा ये या आपको याद करनी होगी चीज़ कि लॉग बी ए जो है वो आपके पास बराबर होता है लॉग सी ए और लॉग बी सी के ठीक है तो log ए बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें ठीक है वैल्यू पुट करनी तो आपको आती है ना कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ बराबर हो और ऊपर दी हुई हो तो उसकी जगह पुट कर देते हैं तो ए बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग सी ए लॉग बी सी और उसके आगे जो वैल्यू दी हुई है वो एज इट इज़ लिख देंगे लॉग सी बी और वन अपॉन लॉग सी ए ठीक है तो देखें लॉग ये ये इससे डिवाइड हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो गया ठीक है ये इससे कैंसिल हो गया सॉरी इससे नहीं होगा इससे कैंसिल नहीं होगा इससे कैंसिल हो गया ठीक है डिवाइड हो रहा है ना एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं जैसे टू को टू से कैंसिल करते हैं इसी तरह से ये भी कैंसिल हो गया लॉग सी ए लॉग सी ए से कैंसिल हो गया ठीक है तो अब ये देखें लिखें यहाँ log बी सी log सी बी चलें अब एक और थ्योरम याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ ये वाला log ठीक है ये वाला log जब भी आप ये वाला log नीचे लेके जाएंगे यानी किसी log को नोमिनेटर से नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो बेस और एक्स की वैल्यू की जगह तब्दील कर देंगे यानी यहाँ पर बेस सी था ना तो एक्स की जगह पे आ जाएगा और सी क्या था हमारे पास बेस था यानी ये बी क्या था एक्स था तो ये बेस की जगह पर आ जाएगा देखें दोनों चीज़ें सेम हो गई तो कैंसिल हो गया जब भी आप लॉक को नीचे लेके जाएंगे तो सी की जगह बी लिख देंगे बी की जगह सी और अगर इसकी जगह कोई और नंबर लिखा हो तो वो भी यही करेंगे तो ये आपका आंसर प्रूफ्ट हो गया कि वन इज़ इक्वल टू वन आ रहा है यानी आंसर सही आ रहा है ठीक है तो एक थ्योरम ये याद रखिएगा और ये चीज़ तो आसान है याद ही रख पाएंगे आराम से आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो वही है जो हमने अभी थ्योरम किया यानी वो जो मैंने थ्योरम आपको सिखाया था कि नोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो न्यूमिनेटर को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या करेंगे तो न्यूमिनेटर को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्स की जगह बेस लिख देंगे और बेस की जगह एक्स लिख देंगे ठीक है या अगर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे एक्स की जगह बेस लिख देंगे और बेस की जगह एक्स लिख देंगे ठीक है दोनों कंडीशन में एक ही जैसा काम होगा यानी अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक ही जगह बी बी की जगह ए हो जाएगा तो अब इसको नीचे ले आते हैं इसको नीचे ले आते हैं तो वन अपॉन लॉग सही है बेस की जगह क्या लिख देंगे बी एक्स की वैल्यू लिख देंगे और ए को ऊपर ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें सेम हो गई अगर मैं इसको ऊपर ले जाके काटूं या, या डायरेक्ट ही काट दूं तो बात तो एक ही होगी ना कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर कट जाए या डायरेक्ट काट जाए तो कोई मसला नहीं है ठीक है तो वन इज़ इक्वल टू वन आ गया देखें ये मैंने ये चीज़ की कि आपके पास यहाँ टू है और यहाँ भी टू है तो मैं इसको ऊपर ले गया टू अपॉन टू इज़ इक्ल टू वन तो ये टू से टू काटा तो ये वन इज़ इक्ल टू वन बचा ना तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी करी है मैंने ठीक है तो ये मैंने काट दिया तो थ्योरम याद रखिएगा जो मैंने आपको थ्योरम बताया कि अगर हम जो है ऊपर वाली वैल्यू को यानी न्यू की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेंगे तो बेस की जगह बी आ जाएगा बी की जगह एक्स की जगह बेस आ जाएगा और एक्स एक्स की जगह बेस आ जाएगा और बेस की जगह एक्स आ जाएगा जैसा कि देख लें यहाँ पर किया ये एक्स की वैल्यू थी बेस की जगह आ गई बेस की वैल्यू एक्स की जगह चली गई ठीक है तब आगे करते हैं तो स्टूडेंट सवाल नंबर थ्री जो है बिल्कुल सेम है सवाल नंबर सवाल नंबर हमारे पास ये मैं पहले सवाल लिख लेता हूँ सवाल नंबर फ़ाइव जो है वो बिल्कुल सेम है सवाल नंबर फ़ोर की तरह ठीक है बस वहाँ पर आपको वेरिएबल दिए हुए थे यहाँ आपको कॉन्सटेंट दिए हुए हैं तो देखिए क्या करना है हमें कॉन्सटेंट में बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी क्योंकि कॉन्सटेंट तो आप देख ही सकते रहते हैं ठीक है तो फ़ाइव सेवन तो यहाँ प्रूफ कराना है आपको कि ये जो फाइव सेवन जो है वो और ये जो हमारे पास लॉक बेस सेवन और ट्वेंटी फाइव जो है ये बराबर है टू के तो बिल्कुल जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर वन में जो चीज़ की थी बिल्कुल वही होगी ठीक है तो क्या करेंगे वहाँ तीन लोग थे या दो लोग हैं तो कोई मसला नहीं है बिल्कुल सेम ही चीज़ को अप्लाई करेंगे और सेम ही चीज़ यहाँ पर करेंगे ठीक है क्या करूँगा मैं पहला जो लॉग है प्रूफ करना है ना यही काम करते हैं बार बार पी के बराबर ले लूँगा दूसरा जो लॉग है कोशिश करूँगा यहीं पर सारे हो जाएँ क्यू के बराबर ले लूँगा ठीक है कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई और क्यू के बराबर लेना था ले लिया भाई चलें भाई अब क्या करना है अब जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है प्रूफ कराने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गई मेरी एक्सपोनेंशियल तो फॉर्म क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए की पावर वाई और एक्स के बराबर तो यहां पर ए क्या है ये फाइव ए है ये एक्स है ये वाई है यहां पर ये यह ए है ये एक्स है ये वाई है तो पुट कर दें दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके दोनों वैल्यूज़ को ले जाए लोगथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ए क्या है मेरे पास फाइफ और पी सेवन और ये बनाने क्वेश्चन नंबर वन दूसरे के साथ भी यही करें सेवन सेवन उसके ऊपर आ गया मेरे पास क्यू और फिर आ गया मेरे पास ट्वेंटी ठीक है तो सेवन की वैल्यू आपको पता है चलें यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन का नाम देता हूँ पहले ठीक है तो ये मैंने लिख लिया Q इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो अगर अब मैं आपको बोलूँ कि आपको सेवन की वैल्यू पता है तो आप बोलेंगे हाँ पता है सेवन की वैल्यू क्या है फाइव अपॉन फाइव की पावर p ठीक है तो सेवन की जगह क्या पुट कर देंगे फाइव की पावर p ठीक है तो ये तो और आसान तरीका हो गया समझने का ठीक है सेवन की जगह क्या पुट कर दिया फाइव की पावर पी यानी इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर सेवन पुट कर दिया गया है तो ये हो गया फ़ाइव पी क्यू और इसका स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे मतलब कि ट्वेंटी फ़ाइव के स्क्वायर होता है फ़ाइव का स्क्वायर होता है भाई एल सी एम लेना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे यहाँ पर बार बार के भाई ये फ़ाइव हो गया ये फ़ाइव पर आता है और ये फ़ाइव इसके बराबर तो ये फ़ाइव हो गया तो ये फ़ाइव जो है भाई इसका स्क्वायर हो गया ठीक है ये तो नहीं करना पड़ेगा ना बार बार मुझे यहाँ पर अब तो ये हमारा हो गया तो आपको पता है कि जब बेस से बेस कैंसिल हो जाती है तो पावरें नीचे उतर जाती हैं एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं पी और क्यू किसके बराबर आ रहा है टू के तो टू के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है आंसर सही है क्योंकि इन्होंने यहाँ आपको कहा था कि ये और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो टू आएगा अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं कि आप जो है वो लॉग फाइव सेवन ना ही कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ना ही टेबल से क्योंकि टेबल में दोनों जगह पर कैलकुलेटर और टेबल में लॉक टेन लिया जाता है बेस की जगह पर तो जब भी बोलता रहता था बार बार बेस को समझे बेस को समझे तो ठीक है कैलकुलेटर से नहीं निकाल लीजिएगा कुछ और आंसर आएगा कभी भी सेम नहीं आएगा तो क्योंकि बेस की जगह यहाँ टेन नहीं है फ़ाइव है ठीक है तो ये आंसर आपका आ गया कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी समझने में अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से तो अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो भी सिंपल है कोई मुश्किल नहीं है थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद दो क्वेश्चन और रह जाएंगे ठीक है बिल्कुल जो पीछे स्टेप अप्लाई किया ना दो तीन स्टेप वही अप्लाई करने हैं चलें जल्दी जल्दी करता हूँ अब मैं क्योंकि मैं भी जो है वो स्ट्रेस फील करने लगा लगाऊँ थक गया हूँ काफ़ी चले भाई अल्लाह का शुक्र है कि लेक्चर मैंने आपको दे दिया सही तरीके से और जो बात बतानी थी बता दी चले भाई अब करके देखते हैं क्या करना है ठीक है तो सबसे पहले वाला लॉक को ले लिया हमने थ्री के बराबर सॉरी थ्री के बराबर नहीं पी के बराबर ये पी हो गया दूसरा वाला लॉक ले लिया हमने ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको लेकिन बहुत आसान है ठीक है बहुत ही आसान है इतना नहीं कि खुदबा खुद हो जाएगा बहुत आसान है बस तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये क्या हो गई ये हो गया ए की पावर बाय और x तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी राइटिंग जो है वो सही नहीं है देखिए मेरा हाथ बहुत मुश्किल से आ रहा होता है लिखने के लिए मैं बस काफ़ी झुक के बैठा हुआ होता हूँ पीछे की तरफ तो इस वजह से जो है वो राइटिंग ख़राब होती है वरना राइटिंग मेरी थोड़ी तो बेहतर है इससे ये ऐसी ही होगी ज़्यादातर ठीक है तो चलें भाई ये ए हो गया ये एक्स हो गया ये बाय हो गया ए हो गया एक्स हो गया वाई हो गया ठीक है ये मैं एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन में टू पॉइंट टू में करवा चुका हूँ तो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो तो यहाँ पर क्या करना है हमने यहाँ पर ए की जगह क्या दिया हुआ है थ्री इंक भी ख़त्म हो गई है मार्कर की तो चले अब बाद में ही भरेंगे ब्लैक पेन से शुरू करते हैं ठीक है तो अभी जब तक चलिए चलाते हैं फिर ब्लैक पेन से शुरू करता हूँ तो पी और ये हो गया हमारे पास टू ठीक है अच्छा भाई ये देखते हैं ये कितने के बराबर है हमारे पास ये हमारे को ए दे दिया टू और ये हो गया क्यू और ये हो गया एटी वन ठीक है इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू अच्छा डायरेक्ट कहूँ कि आप टू को इसमें पुट कर दें तो भी आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे पुट करते हैं सिखा चुका हूँ पीछे पुट करना बार बार लेकिन अगर मैं आपको लिख कर दे दूँ फिर आप पुट कर लें तो भी कोई मसला नहीं है ठीक है तो भी कोई मसला नहीं है ये थ्री है थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ अच्छा ये थ्री हो गया ठीक है थ्री लग रहा होगा आप ठीक है तो पहले मैं ये लिख देता हूँ टू क्यू एटी वन तो टू किसके बराबर है थ्री पी के तो मिटा के थ्री पी लिखते हैं थ्री पी ठीक है ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा होता हूँ सही है तो थ्री पी क्यू अच्छा अब आ गए एटी वन पर तो अगर आप जो है वो एटी वन मतलब कितने पर आएगा ये देखना होगा हमने तो अगर आप थ्री की पावर जो है वो फ़ोर लें यानी अगर थ्री की पावर अगर आपने फोर ली तो वो आपके पास 81 के बराबर होगा एल लेके दिखा सकता था लेकिन अब बहुत टाइम हो गया तो आपको पता ही होगा कि एल किस तरह आता है इसका तो पीछे करके दिखा भी दिया था तो देखें पी क्यू फोर के बराबर आ रहा है ये भी फोर है ये भी फ़ोर है आंसर सेम आ गया ठीक है अगर ये फ़ाइव आ रहा होता ये फ़ोर तो आंसर गलत है ये थ्री आ रहा होता ये फ़ोर तो आंसर गलत है फ़ोर फोर तो ही आंसर सेम है ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट आप हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है लॉक की पावर लॉक बेस फाइव थ्री टू थ्री ये भी आसान है बस थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई होगी तो नंबरों पे जो है अच्छा अपना होल्ड रखें कि पता हो आपको कि क्या चीज़ स्क्वायर बन सकती है क्या चीज़ जो है वो डिवाइड हो सकती है चलें भाई आ जाए यहाँ करते हैं तो ये सबसे वाली पहली वाली, वाली वैल्यू को लॉक की फाइव थ्री फोर थ्री को जो है वो पी के बराबर ले लिया लॉग सिक्स ट्वेंटी फाइव को जो है वो क्यू के बराबर ले लिया ले लिया आसान है ना कोई मुश्किल तो नहीं है ना अच्छा भाई अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई e और एफ़ से लिख रहा हूँ सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तो ए की पावर वाई इज़ इक्ल टू एक्स तो ए क्या है यहाँ पर ये फ़ाइव और ये ये जो है एक्स है और ये वाई है इसी तरह ये ए हो गया ये एक्स हो गया ये वाई हो गया चले पुट करते हैं 5 पी और थ्री फोर थ्री अच्छा भाई यहाँ पर आ गया हमारे पास सिक्स सिक्स क्यू अच्छा अब तो कोई चीज़ किसी के बराबर आई नहीं तो कैसे करेंगे कोई मुश्किल नहीं है तो भी आसान है कर सकते हैं आप इजीली कोई इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस जो है यहाँ अप्लाई नहीं हो रही कि शायद बच्चा कर ना पाए कि भाई यहाँ हो क्या रहा है असल में अच्छा यहाँ एक गलती हो गई है ये सेवन है सिक्स नहीं है ठीक है ये सेवन है तो यहाँ क्या करना है अब ये चीज़ जो है हमने देखनी होगी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर यहाँ पर हमने जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलना होगा अभी इसे इक्वेशन टू नहीं कहें इक्वेशन टू इसे अब कहिएगा जब मैं ये अप्लाई कर दूँ तो ये हो गया फ़ाइव और ये स्क्वायर तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि जिस तरह से हम बेस को उधर ले जाकर डिवाइड कराते हैं ना उसी तरह से पावर को भी उधर ले जाकर डिवाइड ही कराया जाएगा तो ये पावर फाइव के ऊपर है ना क्यों के नीचे चली जाएगी ना तो डिवाइड हो जाएगी ठीक है और इधर से अगर आप इसको यहाँ से वापस लेकर कर आऊँगा ना तो ये दोबारा फ़ाइव के ऊपर आ जाएगी ठीक है तो बेस और पावर का जो है वो सॉल्व करने का तरीका एक ही तरह है इज इक्वल टू के इधर उधर तो ये इसको इज इस इक्वल टू के इस तरफ ले आया मैं ठीक है तो अब मैं ये फाइव पावर इक्वेशन नंबर वन लिखता हूँ फ़ाइव पी इज इक्वल टू थ्री फोर थ्री तो फ़ाइव किसके बराबर है फाइव बराबर है हमारे पास सेवन और सेवन के ऊपर क्यू अपॉन टू के बराबर है ठीक है तो ये पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया हमारे पास सेवन पी क्यू अपॉन टू तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ फाइव लिखा फाइव लिखा था तो फाइव हमारे पास किसके बराबर था इस चीज़ के बराबर तो इसकी वैल्यू फ़ाइव मैंने पुट कर दी ठीक है थ्री फोर थ्री तो अब आपको लग रहा होगा थ्री फोर थ्री तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये थ्री सेव थ्री फोर थ्री जो है ना अगर आप सेवन का क्यूब ले तो थ्री फोर थ्री के बराबर होता है तो यहाँ पर करते हैं चलें इधर ही स्टेप करते हैं इसका तो सेवन का अगर आप क्यूब लें तो ये थ्री फोर थ्री के बराबर होता है तो ये हो गया सेवन और ये थ्री तो सेवन से सेवन कैंसिल हो गया और ये जो पी क्यू जो है वो हमारे पास नीचे उतर गया टू इज़ इक्ल टू थ्री तो अब ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी क्यू इज़ इक्ल टू हमारे पास पी क्यू इज़ इक्वल टू बराबर आ रहा है टू मल्टीप्लाई बाय थ्री चले यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मैं थोड़ा सा ना इधर करके लिख देता हूँ इसको तो पी क्यू जो है वो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू या टू या मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया पी क्यू इज़ इक्वल टू सिक्स तो, तो यहाँ भी सिक्स आ रहा है यहाँ भी सिक्स आ रहा है आंसर सेम हो गया ठीक है आखिरी क्वेश्चन है और पेन की इंक भी जो है वो अब तक साथ दे रही है तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को इनशाला कम्प्लीट करते हैं तो स्टूडेंट जो चीज़ पीछे की थी वही यहाँ पर भी करेंगे सबसे पहले तो आंसर उतारेंगे अपनी लेगेसी को ओबे करेंगे सिक्सटीन है भाई तो ये ये हो गया लॉग टू टू वन सिक्स इज़ इक्वल टू ट्वेल्व हो गया ठीक है तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो प्रूफ इस तरह होगा कि वो भी ट्वेल्फ ही आएगा ठीक है तो लॉग लिखते हैं लॉग सिक्स सिक्सटीन इज इक्वल टू पी के बराबर लॉग टू टू वन सिक्स इज इक्वल टू ये जो है वो बेस है ठीक है ये यहाँ पर सिक्स बेस है क्यू के बराबर ठीक है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ अब ठीक है आखिरी क्वेश्चन है ना ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला तो भूले नहीं होंगे आप कब से मैं लिख रहा हूँ खुद भी मुझे भी अब रट गया है वैसे तो पहले भी मुझे याद था लेकिन अब और रट गया होगा कोई कुछ बोलेगा तो भी शायद मैं उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला ही बता दूंगा सही है तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला एक्स और ये वाई होता है ठीक है ए यानी बेस एक्स यानी हमारे पास आंसर वाई यानी एक्सपोनेंट ठीक है पीछे करवा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई थी इसीलिए कहता हूँ कि सारी वीडियोज़ पूरी देखा करें ताकि कुछ समझने में मुश्किल ना हो मुझे भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो इसीलिए समझे समझने के लिए पूरी देख लिया करें तो ये सिक्स हो गया पी आ गया और ये सिक्सटीन हो गया इक्वेशन नंबर वन कह दिया ठीक है ये हो गया हमारे पास टू और क्यू आ गया और अब आ गया टू वन सिक्स और इसे जो है वो इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं ठीक है तो अब आपको लग रहा होगा कि अब तो कुछ सेम आया ही नहीं तो अभी भी सेम आ सकता है आप इस इक्वेशन नंबर वन को उठा लें ठीक है अब इक्वेशन नंबर वन को उठा लें तो इसको जो है वो सिक्सटीन कितने पे जो है वो बनता है हमारे पास यानी किस चीज़ की पावर बनती है अगर यानि किस नंबर की पावर लें तो सिक्सटीन आएगा अगर आप टू की पावर फोर टाइम लेंगे ना तो आपके पास सिक्सटीन आ जाएगा चाहे तो लेके चेक कर लीजिएगा तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ टू की पावर फोर एल सी एम बोलें तो एल सी एम भी लेके दिखा देता हूँ देखें यहाँ ये सिक्सटीन है टू ये एट हो गया टू ये फोर हो गया टू ये फोर हो गया टू और ये टू हो गया टू ठीक है तो टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई टू एक बाई टू ले लिया कितनी बार है फ़ोर हो गया ठीक है एक दो तीन चार बार ठीक है दिखा दिया क्या यहाँ अगर एलसीएम लेके भी दिखा दिया मोबाइल से भी दिखा दिया सॉरी कैलकुलेटर से भी दिखा दिया ठीक है तो इसे कर लेते हैं टू की पावर फोर इसको उधर ले जाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बेस को इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा पी अपॉन फोर सही है ये पी अपन फोर लेगा चलो नीचे करके लिखते हैं ताकि पी अपॉन फोर थोड़ा और ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने इसे पोन मिलेगा पी अपॉन फोर इज़ इक्वल टू टू तो अब इस टू को जो है ना ये जो हमारे पास इक्वेशन थ्री बन गई है हमारी इस टू को जो है ना यहाँ पुट कर देते हैं पहले मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ एजेटिज़ आपके लिए तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी टू वन सिक्स ठीक है तो अब ये कहाँ से टू मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा ये टू इसके बराबर है तो टू की जगह पुट कर दिया मैंने सिक्स और पी अपॉन फोर तो ये पी क्यू मल्टीप्लाई हो गया आपस में तो ये हो गया सिक्स पी क्यू और ये फोर हो गया ठीक है और ये टू वन सिक्स तो अब आप बोलेंगे टू वन सिक्स को हम कैसे काटें तो सिक्स की पावर अगर आप थ्री लेंगे ना तो ये टू वन सिक्स के बराबर होगा ठीक है अब इसको भी मैं चाहूँ तो एलसीएम लेके दिखा सकता हूँ लेकिन फिर बहुत लंबी हो जाएगी चीज़ें चले यहाँ ले ही लेते हैं बल्कि छोड़ें एलसीय छोड़े मेरे को आपको बता दिया ना कि देखें मैं आपको मैं यहाँ कैलकुलेटर से दिखाता हूँ वरना फिर बहुत लंबा लंबा होता जाएगा बार बार चीज़ें अगर मैं हर चीज़ को एलसीियम लूँगा तो देख लीजिए सही है और अगर एलसीयम लेंगे तो उसी तरह लेंगे जिस तरह फोर में लिया था तो भाई चलें अब क्या करना है हमने अब जो है हमने यहाँ पर पुट करना है वैल्यूज़ को तो चलें पुट करते हैं और अपने आंसर को जो है वो निकालते हैं तो ये हो गया हमारे पास सिक्स पावर थ्री तो ये सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया बाकी का स्टेप इधर कर देता हूँ तो P Q फोर और ये थ्री नीचे उतर गया तो ये थ्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तो थ्री है यहाँ ट्वेल्फ है तो आंसर गलत आ रहा है नहीं भाई आंसर गलत नहीं आ रहा अगर फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्फ आता है फोर वन द फोर फोर टू द एट फोर थ्री द ट्व चले मेरी भी मैथ अच्छी हो गई यहाँ ठीक है थीके? तो ये आंसर आ गया ठीक है तो ये आंसर हो गया देख लें आप ट्वेल्थ ट्वेल्थ से मैच कर गया तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज अल्लाह के फतलोक करम से कम्प्लीट हुई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मैं मानता हूँ लेकिन तमाम सवालत को कराना भी ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग थे जो मैच करने वाले थे वो तो दो तीन मिनट में हो गए लेकिन जो अलग अलग थे ना जल एक क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग आंसर वाला था तो वो उसमें टाइम लग गया तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी कुछ रहा नहीं होगा लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो व्हाट्सएप नंबर इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप कुछ पूछ सकें मुझसे ठीक है तो पूछ लीजिएगा और एक्सरसाइज़ यहाँ पर टू पॉइंट फाइव तक आज कंप्लीट हो गई है टू पॉइंट सिक्स कल करा दूँगा फिर उसके बाद जल्दी से बुक पूरी कंप्लीट करा दूंगा नोट्स मैंने इंग्लिश के बना लिए हैं क्लास नाइन न्यू इंग्लिश बुक के तमाम लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं तो अगर नोट्स चाहिए हों तो कांटेक्ट कीजिएगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है और अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा नोट्स की फीस हंड्रेड रुपीस रखी है वो भी सिर्फ इसीलिए लिए क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है बनाने में और काफ़ी इन्वेस्टमेंट तो रखी है वरना फिर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखना था मुझे ठीक है तो आप जो है वो इजी पैसा जैस कैश जो है जो नंबर मैंने आपको व्हाट्सअप का दिया है स्क्रीन पर उसी पे सेंड कर दीजिएगा नोट्स उसी पे मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगा कीजिएगा कि वीडियो किस तरह की लगती है आपको ठीक है जो मैं वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और अगर कोई बेहतरी हो तो मैं आप मुझे बता दीजिएगा मैं वो बेहतरी भी ले आऊँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग हाफिज़